आज आप सब बता देंगे भाइयों बहनों माताओं आप सबका जीवन आदर्श उत्कर्ष परिवार बहुत बहुत आभार प्रकट करता है जो इतनी बड़ी संख्या में इतने टाइम पर आना सूरत में होगी संडे और 1 अप्रैल का दिन 21 मार्च फाइनेंशियल ईयर खत्म होने के बाद नए फाइनेंशियल ईयर की शुरुआत संडे का दिन 1 अप्रैल कई लोग तो उसको अप्रैल फूल भी समझ रहे थे कि कहीं सत्यान भाई अप्रैल फूल तो नहीं बना रहे तो इसलिए आप सब धन्यवाद और बधाई कार्यक्रम की शुरुआत भगवान की स्तुति से करेंगे दीप प्रज्वलित के लिए मैं आमंत्रित करना चाहूँगा विनय भाई और निर्मलेश भाई जी अतुल भाई कृपया आगे लाएं अपने आज के जो चीफ गेस्ट हैं डॉक्टर फरीदा मैडम ये सब भवन सब सब व्यवस्थाएं जिनकी शुरुआत करने से मिली थी बालकृष्ण जी अग्रवाल मुरली जी सोमानी डॉक्टर अजय जैन जो कोशिश करते हैं कि अपने सब सेमिनार अटेंड करें कोठारी जी कोपड़ा जी आप सबसे निवेदन है कृपया दीप प्रज्वलित में साथ में बोल सियापति रामचंद्र की जय की जानकारी के लिए बता दें हमारा नेक्स्ट सेमिनार 24 जून को पीडियाट्रिक के ऊपर होगा और सूरत के 2 वरिष्ठ सीनियर मोस्ट चाइल्ड स्पेशलिस्ट की उनकी अपनी स्वीकृति आ गई है डॉक्टर अशोक सम्मान करें डॉक्टर आलोक जी का सम्मान करें ललित भाई जी से निवेदन है ललित जी अग्रवाल इसके बाद अग्रवाल विकास ट्रस्ट और जीवन आदर्श उत्कर्ष समिति द्वारा आयोजित 23वीं मेडिकल सेमिनार में आप सबका स्वागत है। मैं फिर से एक चीज कहना चाहूंगा कि रविवार के दिन आप अपना कीमती समय निकाल के आए हैं, इसके लिए सबको मैं धन्यवाद देना चाहूंगा। लेकिन साथ ही साथ जो पहले भी मैं कहता आ रहा हूं, मैं आपसे रिपीट करता हूं कि आपके आगे आने से आपको कुछ ऐसी जानकारी मिलेगी जो आपके लिए या आपके परिवार के किसी सदस्य के लिए या आपके मित्रों के लिए बड़ी लाभदायक रहेगी भविष्य में। जीवन आदर्श उत्कर्ष समिति का एक ही लक्ष्य है कि हम आपको देना चाहते हैं वैल्यू फॉर टाइम। जो टाइम आप यहां पर दे रहे हैं उसका वैल्यू देना हमारा लक्ष्य है। आगे बढ़ते हुए मैं अग्रवाल विकास ट्रस्ट के श्री अनिल जी अग्रवाल और सज्जन जी का धन्यवाद देना चाहूंगा जिसके कारण हम ये प्रोग्राम पहले भी करते आए और आगे भी करते रहेंगे। श्री श्याम भाई गुप्ता जिन्होंने हमको प्रेरणा दी है यहाँ पर ये करने की उनका भी धन्यवाद देना चाहूंगा। आज रात को एक प्रोग्राम चल रहा था और सुबह 3 बजे तक यह प्रोग्राम चल रहा था। उसके बाद अग्रवाल विकास ट्रस्ट के सभी स्टाफ ने मिलकर ये जो परिस्थिति की है उनके रात को 4 बजे के बाद मेहनत करके की है। आगे मैं मेरे जीवन आदर्श उत्कर्ष समिति के कलीग श्रीकांत जी मुंद्रा निर्मलेश जी आर्या अतुल पांगड़ और पूरी टीम का भी धन्यवाद देना चाहूंगा जिसके कारण हम ये सेमिनार करते आ रहे हैं। बड़ा महत्वपूर्ण है आज का सब्जेक्ट ये हम पहली बार कर रहे हैं और डॉक्टर फरीदा और डॉक्टर अतुल आज का प्रोग्राम करेंगे। अच्छा, नेफ्रोलॉजी का जब हम प्रोग्राम करते तो वो किडनी से रिलेटेड रहता है, न्यूरोलॉजी किया तो ब्रेन से, कार्डियोलॉजी किया तो हार्ट से, लेकिन आज तो 3-3 ऑर्गन के बारे में आपको जानकारी दी जाएगी। आज कहीं सेल भी लगती है तो आपको एक के ऊपर एक फ्री मिलता है, लेकिन आज हमें बाय वन गेट टू फ्री आपको देने जा रहे हैं। मतलब एक बार अटेंड करके 3-3 ऑर्गन की आपको जानकारी मिलेगी।
ऐसा क्यों है? क्योंकि ये तीनों एक दूसरे से जुड़ी हुई है। एक की तकलीफ दूसरे पे आती है, उसकी विस्तृत जानकारी आज आपके दोनों आज के स्पीकर आपको आज देंगे। दूसरा, आज के स्पीकर मैडम संजय के बारे में आप बताना चाहूंगा कि वो मेडिकल फ्रेटर्निटी में बहुत रिस्पेक्टेड और नॉलेजेबल डॉक्टर है। लंबे टाइम तक उन्होंने गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज में काम किया है और हजारों स्टूडेंट्स को उन्होंने लेक्चर दिया है। एक बात आप समझिए कि आज के स्टूडेंट्स थोड़े अलग है। जो भी स्टूडेंट मेडिकल कॉलेज में आते हैं बड़ी मेहनत से एंट्रेंस एग्जाम देके घंटों घंटों पढ़ाई करके आते हैं, आपको आज मैडम को सुनने के लिए फ्री एंट्री दी गई है विदाउट एनी एग्जाम्स। आगे बढ़ते हुए संक्षिप्त में मैं दोनों डॉक्टर के बारे में आपको बताना चाहूंगा। मैडम फरीदा वाडिया एमएस ईएनटी सर्जन है। एमबीबीएस आपने 1981 में किया, बीएलओ 1984 में और एमएस ईएनटी 1985 में। आप सीनियर रेसिडेंट है चुकी है गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज सूरत में, रिसर्च फेलो इन हेड एंड नेक कैंसर एट ग्रांट मेडिकल कॉलेज एंड जेजे हॉस्पिटल 1986 और 87, ट्रेवल फेलोशिप फॉर हेड एंड नेक कैंसर एट टाटा मेमोरियल, जॉइंट गवर्नमेंट सर्विस एज असिस्टेंट प्रोफेसर एट वडोदरा मेडिकल कॉलेज और वहां पर 18 साल इन्होंने काम किया है। वॉज प्रोफेसर ऑफ ईएनटी एट सूरत, भावनगर एंड राजकोट। फिर इन्होंने अपनी प्राइवेट प्रैक्टिस चालू की साई अंजलि के नाम से और ये पार्ट टाइम प्रोफेसर म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशन में 2002 से 2005 आप रह चुके हैं। आपके एरियाज ऑफ इंटरेस्ट है हेड एंड नेक कैंसर सर्जरी, सर्जरी ऑफ पैरोटिड एंड थायरॉइड लेसियन, एंडोस्कोपिक सर्जरी ऑफ नोज एंड बेसिकल, फेशियल नर्व सर्जरी, इम्प्लांट्स, बलून साइनोप्लास्टी। एकेडमिक्स में आपने 30 से भी ज्यादा पेपर नेशनल कॉन्फ्रेंस में प्रेजेंट किए हैं। आप एक्टिवली इन्वॉल्व है डीएनडी करिकुलम में और आपने एक्टिवली पार्टिसिपेट किया वर्कशॉप एपीएसएस ऑटोलॉजी हेड एंड नेक कैंसर ऑल ओवर इंडिया। आपको एथिकल ट्रैवल फेलोशिप ऑफ डॉक्टर पी ए शाह ट्रैवल फेलोशिप ऑल इंडिया का अवार्ड मिला है। आपको गोल्ड मेडल मिला है एओआई ओरेशन इन राजस्थान और आसाम में। आपको साउथ जोन में गोल्ड मेडल मिला है फॉर ओरेशन इन हैदराबाद एट साउथ जोन ईएनटी कॉन्फ्रेंस इन 2008। ये तो बहुत ही संक्षिप्त में मैडम का मैंने आपको बताया। अपने दूसरे आज जो डॉक्टर है दूसरे स्पीकर है वो डॉक्टर आलोक कारुलकर। आपने एमबीबीएस किया गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज सूरत से 1991 में, डीएलओ सिविल हॉस्पिटल से 94 में, एमएस ईएनटी सिविल हॉस्पिटल से 1995 में। आप यूके में ट्रेन हुए रॉयल कॉलेज ऑफ सर्जन में 96 से 2001 तक। आपने डिप्लोमा किया रॉयल कॉलेज ऑफ सर्जन ऑफ इंग्लैंड से 2001 में। अभी आप साई अंजलि एएनटी क्लिनिक में प्रैक्टिस कर रहे हैं। आप विजिटिंग सर्जन है महावीर में, महावीर कार्डियक में, मिशन में, सनशाइन में और यूनिक हॉस्पिटल में। आपका इंटरेस्ट है रीडिंग, ट्रैवलिंग, हाइकिंग एंड पैशन फॉर फोटोग्राफी। अब मैं आज के स्पीकर को इनवाइट करूंगा कार्यक्रम चालू करने के लिए। धन्यवाद। उससे पहले 2 मिनट का शायद निर्मल जी आपको कुछ संक्षिप्त बताना चाहिए। इनके बारे में एक ही चीज बोलना चाहूंगा कि वो मुझसे आगे से आगे डेट ले लेते हैं। श्रीकांत भाई अपना नेक्स्ट सेमिनार कब का है और अपनी डायरी में नोट कर देते हैं और मेक श्योर कि वो टाइम से आ जाएं और सूरत में रहें। तो आप सबसे निवेदन है कि इस सेमिनार की जितने ज्यादा लोगों को आप जानकारी दे सके जरूर से जरूर दीजिए। आप जितने भाई बहन यहाँ पर बैठे हैं आप लोग बहुत सरल हो, बहुत विनम्र हो। आपको जो परोसा जाता आप ईमानदारी से खा करके चले जाते हो। ऐसा नहीं करना चाहिए। आज तो महामूर्ख दिवस है, अप्रैल फूल है, आज तो हंसने हंसाने का दिन था। डॉक्टरों को बुला करके आज का ये तनावग्रस्त माहौल नहीं बनाना चाहिए। तो मैं खुद को और मेरी टीम के साथ आपसे क्षमा मांगता हूं कि आज हंसने हंसाने के दिन, प्रसन्नचित रहने के दिन, हैप्पीनेस वाले दिन आपको इतने सीरियस डॉक्टर्स को सुनना पड़ेगा। ये हमारा 23वां सेमिनार है, 22 सेमिनार आप अटेंड कर चुके। आप में से बहुत से लोग होंगे जिन्होंने 10 से ज्यादा या 15 से ज्यादा मेडिकल सेमिनार अटेंड किए, मगर पिछले एक भी सेमिनार की एक भी अच्छी बात आपको याद नहीं है। क्यों याद नहीं है बताइए? क्योंकि जो डॉक्टर आते हैं ना वो इतने सीरियस तरीके से आपको बताते हैं जो आपके दिमाग से निकल जाती है।
तो मैं तो आप लोगों को हमारा जो ईमेल बॉक्स है और जो व्हाट्सएप कैटेगरी जो बॉक्स है उसको एकदम भर देना चाहिए अपने रिएक्शन से कि डॉक्टरों के साथ साथ हमको हास्य के ऊपर प्रसन्न रहने के ऊपर भी कुछ सेमिनार करने चाहिए। तो मैं निवेदन करूंगा हंसने से प्रसन्न चित रहने से एक एंडोर्फिन नाम का एक जो एंजाइम है हार्मोन्स पैदा होता है और हमारे पूरे शरीर की जो इंटेलिजेंस जो भावनात्मक संतुलन है इमोशनल बैलेंस जो बनाता है वो हंसने आसानी से कायम रहता है। तो मेरा निवेदन है श्रीकांत भाई से और विनय भाई से कि आगे कभी इस तरह के प्रोग्राम जरूर करें कि यहाँ हंसे हंसाएं और हमको डूमस कभी पकौड़ी वकोड़ी खिलाने ले जाए तो खूब मजा आए आनंद आए। आप आते हैं बड़े मान और सम्मान के साथ आते हैं बहुत अच्छी बात है लेकिन हमें जो एक चीज की जरूरत रहती है वो ये रहती है कि आप व्हाट्सएप पे ईमेल पे अपने अपने सुझाव अपने प्रतिक्रिया हमें देते रहें उससे ही जब फीडबैक जो मिलेगा उससे आगे के कार्यक्रमों की रूपरेखा तय हो पाती। तो बहुत महत्वपूर्ण जानकारी आपको मैं देना चाहता हूं यहीं पर इसी द्वारका हॉल के अंदर 15 अप्रैल को एक बहुत विद्वान वक्ता आ रहे हैं। बच्चों के साथ हमारे रिलेशन कैसे हैं टीन एज जो बच्चे हैं 8 से 16 साल के बीच के जो बच्चे हैं वो कई तरह की अलग अलग बीमारियों से ग्रस्त होते जा रहे हैं खासकर मोबाइल मैनिया की बीमारी से वो ग्रस्त होते जा रहे हैं। बंबई के अंदर 3 मोबाइल मैनिया के क्लिनिक खुल चुके हैं। सूरत शहर के अंदर उसकी स्थिति क्या है हमें उससे कैसे बचना चाहिए उसके ऊपर 15 अप्रैल को एक बहुत जरूरी सेमिनार रखा गया है उसके अंदर आप सभी भाई बहन सादर आमंत्रित हैं। दूसरा एक 17 जून को एक कार्यक्रम हमने रखा है वो है आपस के रिलेशन पे खासकर पति पत्नी के रिलेशन पे कि हम ग्रस्त जीवन के महत्व को समझते नहीं है। आज स्थिति ये पैदा हो गई है कि करीब करीब जो नए शादी शुदा जो जोड़े हैं अगले 6 महीने में उनमें से 50% विवाहित उनके दंपत्ति का तलाक हो जाता है। तो ये बहुत गंभीर समस्या हमारे सामने है तो उसके अंदर डॉक्टर वागीश जी जो हैं वो 17 जून को इस विषय को लेकर के लेक्चर देने आएंगे। ये दोनों कार्यक्रम आप याद रखें आपको इसकी विधिवत सूचना दी जाएगी और आप इसी तरह से कार्यक्रम में आते रहें खासकर अपने सुझाव यदि आप नहीं लिखेंगे तो हम जैसा आपको परोसना चाहेंगे वैसा परोसते रहेंगे। इसलिए मेरा निवेदन है कि आप अपने सुझाव जरूर लिखें। धन्यवाद। वापिस 2 महत्वपूर्ण सूचना हमारे पिछले सभी सेमिनार्स की डीवीडी नीचे अवेलेबल है उसका न्यूनतम शुल्क रखा गया है तो जिस भाइयों बहनों को जरूरत है आवश्यक हो जरूर ले जावे। नेक्स्ट सेमिनार की डेट का नीचे बोर्ड लगा हुआ है कृपया नोट कर लेवे उसकी डेट और डॉक्टर्स के नाम। और भाई जी डॉक्टर भीकम चंद जी प्रजापति का हर साल की तरह इस बार भी अगस्त में रहेगा 16 से 22 अगस्त को शाम को शाम कुंज में 8 से 9:30 ये सब डेटें नोट कर ले। मैं अब मैं डॉक्टर फरीदा मैडम को बोलूँगा कि आगे का मंच आप संभालें और जिस काम के लिए हम सब यहाँ इकट्ठे हुए हैं कृपया मोबाइल फोन साइलेंट मोड पे कर देना। सभी से निवेदन है मोबाइल का विशेष रूप से ध्यान। डॉक्टर आलोक और मुझे आपके बीच बुलाया एक छोटा सा प्रेजेंटेशन करने के लिए। इसके साथ साथ इसके जो ऑफिस बेयरर्स हैं श्रीकांत भाई साहब विनय भाई साहब श्री आर्या जी श्री अनिल अग्रवाल जी श्री जालन जी जी अतुल श्री अतुल जी उन सबको मैं बहुत कॉन्ग्रेचुलेट करना चाहूँगी कि ये लगातार विदाउट एनी ब्रेक ऐसे सेमिनार्स करते रहते हैं। नॉर्मली मैंने देखा है कि नॉर्मल जो एनजीओस होते हैं वो अगर ये मेडिकल जानकारी के लिए अगर बेड़ा उठाते हैं तो 2-4 फ्री मेडिकल कैंप्स करते हैं 2-4 वक्तव्य करते हैं थोड़ा बहुत फोटोज खिंचवाते हैं और फिर सब फुसफास हो जाता है। और ये बहुत गौरव की बात है कि ऑफिस बेयरर्स ने पिछले 6 साल से आपके साथ बता रहे थे पिछले 6 साल से साल में 4 बार ये लेक्चर रखे हैं और विदाउट एनी ब्रेक विदाउट एनी यू नो एनी पर्सनल गेन्स एब्सोल्युटली फ्री ऑफ कॉस्ट। तो इसके लिए इन सबको मैं अप्लॉड करना चाहूँगी। ट्रीटमेंट नहीं किया जाए तो फिर कान के पर्दे के अंदर ऐसी सूजन आ जाती है जिसको एक्यूट ओटाइटिस मीडिया बोलते हैं और इसमें पेशेंट को बहुत ज़्यादा कान में दर्द होता है और फीवर आने लगती है।
इसके कई स्टेजेस हैं जिसके बारे में डॉक्टर आलोक कान के बारे में विस्तृत में आपको बाद में बताएंगे, लेकिन मैं ब्रीफली आपको बता देती हूँ कि इसका फर्स्ट स्टेज है जब कान के पर्दे के अंदर सूजन आती है, फीवर शुरू होती है। सेकेंड स्टेज के अंदर पर्दा बहुत ज़्यादा फूल जाता है, फीवर बढ़ जाता है, असहाय दर्द होने लगता है, और फिर ये जो इसमें जमा हुआ पस है वो किसी तरह से कान के पर्दे को छेद करके बाहर निकलता है और इसमें से डिस्चार्ज आना शुरू कर देता है। अगर सही तरीके से इसका ट्रीटमेंट किया जाए तो धीरे धीरे कान का छेद बंद होता है और पेशेंट सही हो जाता है। इसको ट्रीट ना करने से बहुत सारे कॉम्प्लिकेशंस होते हैं। सभी कॉम्प्लिकेशंस में फीवर महत्वपूर्ण सिम्टम है जिसके बारे में डॉक्टर आलोक आपको बताएंगे। अगर थर्ड स्टेज में अगर सही ट्रीटमेंट नहीं किया जाए तो ये छेद बड़ा हो जाता है और उसमें से लगातार पीप निकलता रहता है, जिसको अभी हम क्रॉनिक सेपरेटिव ओटाइटिस मीडिया बोलते हैं। इसमें हालांकि फीवर बहुत हाई ग्रेड नहीं होता है और कभी कभी ये छेद कान की एजेस, पर्दे की एजेस पे आ जाता है और एक बहुत भयंकर डिजीज हो जाता है जिसको हम कोलोस्टेटोमा बोलते हैं, और उसका ट्रीटमेंट सिर्फ सर्जरी होता है। एक दूसरी कान की पैथोलॉजी है जो हमें याद रखनी होती है, जिसका नाम है बुल्लस मैरिंजाइटिस। ये एक वायरल इन्फेक्शन है और उसके अंदर कान में बहुत सीवियर पेन होता है, हाई ग्रेड फीवर आती है, और अगर कान में देखा जाए तो ये पर्दा ऐसा बुल्ले की तरह फूल जाता है। इसका मतलब ये है कि ये वायरस इतना खराब होता है कि एक दिन हमको कान में पेन होता है, फीवर आती है, दूसरे दिन ये फीवर सीधी ब्रेन में चली जाती है और पेशेंट को एनकेफेलाइटिस हो जाता है, बेहोश हो जाता है, खींच आने लगती है और कोमा में चला जाता है। तो ये चीज़ भी ध्यान में रखना ज़रूरी है। तीसरा कारण फीवर का ईएनटी के कारण से एक्यूट पैरोटाइटिस है, रिलैक्सिंग पैरोटाइटिस, यानी मम्स जैसा होता है वैसे लाल ग्रंथि के अंदर सूजन आ जाती है और बार बार इसमें स्वेलिंग होता है, पेन होता है और फीवर आती रहती है। ये ज़्यादातर बच्चों में पाया जाता है। इसकी ट्रीटमेंट के पहले हमें सोनोग्राफी करानी ज़रूरी होती है जिसमें देखा जाए कि इसमें कोई पथरी वगैरह, कैल्कुलाई वगैरह नहीं है। इम्यून स्टेटस ऑफ दैट चाइल्ड और एन एडल्ट हैज़ टू बी असेस्ड, क्योंकि उनको डायबिटीज नहीं है, कोई इम्यून डिफिशेंसी सिंड्रोम नहीं है या सिस्टिक फाइब्रोसिस करके डिजीज नहीं है। एंटीबायोटिक्स और बहुत ज़्यादा उसको फ्लूइड्स देने से इसका ट्रीटमेंट होता है, और अगर बच्चों में ये होता है तो बाय प्यूबर्टी, बच्चा 16-17 साल का हो तब तक ये निकल भी जाता है। अभी आता है जुखाम, सर्दी जुखाम वाली प्रॉब्लम। ये बहुत कॉमन है, हम सबको हो चुकी है, इतनी कॉमन है कि अंग्रेजी में उसको कॉमन कोल्ड ही बोलते हैं, और कॉमन कोल्ड में से साइनस प्रॉब्लम होने लगता है। अगर नॉर्मली एक कहावत है कि अगर आप डॉक्टर के पास जाओ तो एक हफ्ते में सही हो जाता है, ना जाओ तो उसको 7 दिन लगते हैं, तो ये एक ऐसी लाइटली लिया जाता है इसको। लेकिन अगर इसका सही ट्रीटमेंट कभी कभी नहीं किया जाए और पेशेंट डायबिटिक हो, इम्यूनो कॉम्प्रोमाइज हो, तो इसका बहुत भयंकर रूप भी आ सकता है। जैसे ये औरत है जिसके दांत में दर्द था, दांत के दर्द की वजह से उसको साइनस प्रॉब्लम हुआ, आँख में फैल गया, आँख की रोशनी चली गई, और अभी ये मगज में चला गया जिसको हम कैवर्नस साइनस थ्रोम्बोसिस बोलते हैं, तो ऐसा भी रूप धारण कर सकता है, तो इसे हमें लाइटली नहीं लेना चाहिए। सबसे कॉमन कॉज है एलर्जिक राइनाइटिस, और सूरत में ये अभी बहुत ज़्यादा प्रचलित हो गया है। इट्स अ मेजर कॉज फॉर क्रॉनिक रेस्पिरेटरी इलनेसेस, और इसके ऊपर इतना ज़्यादा डिस्कशन और फस क्यों है, क्योंकि इसका इम्पैक्ट अपनी लाइफ के ऊपर बढ़ता जाता है। बच्चों को स्कूल परफॉर्मेंस उनका कम हो जाता है, एडल्ट्स को उसके कामकाज में भी रुकावट आती है, इट बिकम्स एन इकोनॉमिक बर्डन, और इसका बहुत स्ट्रॉन्ग लिंक है एस्थमा से। तो अगर किसी को साइनोसाइटिस का प्रॉब्लम है, एलर्जिक राइनाइटिस का प्रॉब्लम है, तो उसमें से बहुत जल्दी उसको साइनोसाइटिस हो जाता है, उसको कान की बीमारी लगती है, गले में दर्द होता है, आवाज़ बदली हो जाती है, वो ठीक से रात को सो नहीं पाता है, डिप्रेशन होता है, लो बैक पेन होता है, और 75% को कोएग्जिस्टिंग एस्थमा होता है। इसका ट्रीटमेंट बहुत स्टैंडर्ड तरीके से आर्या गाइडलाइंस के हिसाब से पूरे दुनिया में किया जाता है, और इसके दो डिविजन्स होते हैं। एक में सिम्टम्स कभी कभी आते हैं, फिर 5-6 महीने पेशेंट ठीक रहता है, फिर वापस उसको एलर्जी हो जाती है, और एक ऐसा प्रकार है जिसमें पूरे साल उसको सिम्टम्स आते रहते हैं।
तो मैं ये बताना चाहूंगी कि जब इंटरमिटेंट सिम्टम्स है तब सिर्फ दवाई लेने से, प्राणायाम करने से, स्टीम इनहेलेशन करने से इसमें बहुत फायदा हो जाता है। लेकिन जब मॉडरेट या मॉडरेटली सिवियर सिम्टम्स होते हैं तो दवाइयों के साथ हमें इंट्रानेजल कॉर्टिकोस्टेरॉइड स्प्रे देना पड़ता है। ये स्प्रे बहुत बहुत ही सेफ होता है, 2.5 साल से 3 साल के बच्चों को भी हम दे सकते हैं। जब परसिस्टेंट सिम्टम राउंड द ईयर सिम्टम्स होते हैं तो माइल्ड सिम्टम्स में भी हमें ये स्प्रे चालू कर देना पड़ता है और 1 महीने तक उसको कंटिन्यू करना पड़ता है। जब परसिस्टेंट सिम्टम्स मॉडरेट या मॉडरेटली सिवियर होते हैं तब दवाई के साथ और स्प्रे के साथ हमें ओरल कॉर्टिकोस्टेरॉइड्स देने पड़ते हैं, बहुत कम मात्रा में, और बहुत जल्दी उसको बंद भी कर देते हैं। लेकिन इंट्रानेजल स्प्रे हम 3 महीने तक चालू रखते हैं। अगर 3 महीने के बाद भी ये ठीक नहीं होता है तो हमें और सोचना पड़ता है सर्जरी वगैरह के लिए। अभी साइनस प्रॉब्लम की जो ट्रीटमेंट थी उनकी इसकी जो सोच थी वो पिछले थोड़े साल में बहुत बदल गई है। पहले माना जाता था कि जब साइनस में पस भर जाता है तो हमें सिर्फ ये साइनस एक छेद करके खोल देना होता है और खोलने के बाद उसको वॉश कर देते हैं और ये सब ठीक हो जाता है। लेकिन ये कभी ठीक नहीं होता था, पेशेंट बार बार अपने पास आता रहता है, वो भी डॉक्टर से फेडअप हो जाता था। तो 1970 में स्विट्जरलैंड के छोटे से शहर टाउन में, ग्राज करके टाउन में, एक डॉक्टर साइंटिस्ट थे जिनका नाम था डॉक्टर मेजरक्लिंगर, और उन्होंने बहुत सारा रिसर्च किया ये एलर्जी और साइनोसाइटिस के बारे में। और उन्होंने देखा, उन्होंने एक टेलीस्कोप के जरिए से नाक के अंदर की जो लाइनें हैं जिसे हम म्यूकोसा बोलते हैं उसे बहुत स्टडी किया। उन्होंने देखा कि नाक के अंदर हर साइनस एक छोटे से छेद से नाक के अंदर ओपन होता है जिसको हम ऑस्टिया बोलते हैं। और उन्होंने ये रिसर्च किया कि ये जो म्यूकोसा है उसके ऊपर एक सीलिया करके पड़ रहता है, छोटे छोटे बाल रहते हैं, वो हमेशा एक ही डायरेक्शन में बीट करते रहते हैं, और इसके ऊपर जो नाक में म्यूकस बनती है उसको एक ही डायरेक्शन में वो धक्का मार के निकालते हैं। इसके प्री ऑर्डिन पाथवेज होते हैं, जैसे ये साइनस के अंदर म्यूकस है तो ये छेद से ही बाहर निकलेगी, ये साइनस की म्यूकोसा में जो अगर म्यूकस है तो ये पाथवे फॉलो करके ही बाहर निकलेगा। तो इसलिए यहाँ वहाँ छेद करने से या वॉश करने से इसका ट्रीटमेंट नहीं हो सकता है। इसके ट्रीटमेंट के लिए हमें इसका मुख खोलना पड़ता है। तो अगर जैसे ये साइनस देखा जाए, इसमें वायरल बैक्टीरियल फंगल इन्फेक्शन होता है, जब इन्फेक्शन होता है तो ये म्यूकोसीलियरी ट्रांसपोर्ट बंद हो जाता है, सीलिया बीट करना बंद हो जाते हैं, इसमें पस जमा हो जाता है और फिर इसमें साइनस प्रॉब्लम शुरू होते हैं। ये लोग ये बैक्टीरिया और वायरस एक्सेट्रा जो उसकी पड़ है, म्यूकोसा है, उसमें सूजन कर देते हैं, उसका जो छेद है जिससे वो बाहर निकलता है, मुख है, उसको ब्लॉक कर देते हैं, इसमें ऑक्सीजन की कमी हो जाती है और उसके बाद ये साइनस प्रॉब्लम शुरू हो जाते हैं। तो ये एक बेसिक आइडिया हमने मेजरक्लिंगर ने दिया, और इसके बाद हम जितनी भी साइनस की ट्रीटमेंट करते हैं वो टेलीस्कोप के बिना कभी नहीं करते हैं। तो ये एक सीटी स्कैन है जिसमें हम देख सकते हैं कि ये पूरा साइनस है, इसका मुख खुला है इसलिए ये साइनस नॉर्मल है, ये बाजू का साइनस का मुख बंद है, ऑस्टिया इज क्लोज, दैट्स व्हाई द पेशेंट इज डेवलपिंग साइनोसाइटिस। एक्यूट साइनस के सिम्टम्स तो सबको पता ही है, नाक से पानी गिरता है, नाक बंद हो जाती है, बहुत ज़्यादा पेन होता है दांत में, आँख में, कान में, फ्रंटल रीजन में, और ये जब हम लोग झुकते हैं, खांसी करते हैं या छींकते हैं तो ये पेन बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है, अपना टेस्ट चेंज हो जाता है, सर में भारीपन आ जाता है, ड्राई कॉफ हो रहता है, कभी कभी नाक से खून भी गिरता है। इसका डायग्नोसिस एक्सरे और नेजल एंडोस्कोपी से किया जाता है। ये एक्सरे है, ये नेजल एंडोस्कोपी है जो टेलीस्कोप से नाक की म्यूकोसा को स्टडी करते हैं हम लोग, इसमें कैसा सिक्रीशन है उसे देखा जाता है, उसके ऑस्टिया खुले है, बंद है, नाक की हड्डी टेढ़ी है, नाक में मस है, ये सब डायग्नोसिस अपने ओपीडी में ही किया जाता है। और इसका ट्रीटमेंट है एंटीबायोटिक्स, गुड हाइड्रेशन, नाक को डीकंजेस्ट करने के लिए ड्रॉप्स, नॉर्मल ओवर द काउंटर ऑट्रिविन ड्रॉप्स मिलते हैं वो, लेकिन इसे याद रखना ज़रूरी है कि ये ड्रॉप्स हानिकारक है, 10 दिन से ज़्यादा नहीं यूज़ करना चाहिए, नहीं तो उससे ब्लड प्रेशर की बीमारी बढ़ने लगती है। और साथ साथ स्टीम इनहेलेशन, प्राणायाम, दैट इज़ अ वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ ट्रीटिंग साइनोसाइटिस। सर्जरी बहुत रेयर होती है, ये पुराने ज़माने में ऐसे सिरिंज के अंदर सलाइन लेके नाक के अंदर साइनसिस में घुसा के इसको धोते थे,
ये एकदम ऑब्सोलीट चीज है, कभी नहीं करनी चाहिए। क्रॉनिक साइनोसाइटिस, जब एक्यूट साइनोसाइटिस 3 हफ्ते से ज्यादा चलता है तो इसे क्रॉनिक साइनोसाइटिस हो जाता है। इसके अंदर ज्यादातर नाक बंद रहता है, नाक के सिक्रेशंस बहुत थिक हो जाते हैं, कंटिन्यूस डल हेडेक रहता है, गले में खराश रहती है, बार बार पेशेंट गला साफ करता है ऐसा करके, जिसको हम हॉकिंग बोलते हैं। और ये इसलिए होता है क्योंकि नाक की जो सिक्रेशंस है वो गले में जाती रहती है, उसके माउथ से नोज से बहुत गंदा स्मेल आता है और उसके खुद की सेंस ऑफ स्मेल भी बिगड़ जाती है। इसका इन्वेस्टिगेशन भी नेजल एंडोस्कोपी और सीटी स्कैन से ही किया जाता है। और इसका ट्रीटमेंट मैं इतना ही बोलना चाहूँगी कि क्रॉनिक साइनोसाइटिस में एंटीबायोटिक्स जो देते हैं वो कम से कम 2 हफ्तों के लिए लेना ज़रूरी है। कई बार जनरल प्रैक्टिशनर्स और अपने पेशेंट्स भी 2-3-4 दिन दवाई लेके फिर बंद कर देते हैं, और वो एक ज़्यादा कॉज है कि उसको क्रॉनिक स्टेज में वो लोग धकेल देते हैं। म्यूकोलाइटिक्स दिए जाते हैं, वो ऐसी दवाइयाँ हैं जिससे वो नाक में से जो सिक्रीशन होता है उसको एकदम पतला कर देते हैं पानी की तरह, और जल्दी से पेशेंट का नाक क्लियर हो सकता है। सर्जिकल ट्रीटमेंट में इसका जो कॉज है टॉन्सिल एडेनोइड्स हो या नाक में मस्से हो या टर्बिनेट्स बहुत बड़े हो तो उसको ट्रीट करना ज़रूरी होता है। एंट्रल पंक्चर और कार्टवेल लग जो मैंने पहले बताया वो अभी ऑब्सोलीट है, कोई नहीं करता है, और इसकी सर्जरी दूरबीन से ही होती है जिसको फंक्शनल एंडोस्कोपिक साइनस सर्जरी बोलते हैं। इसको ट्रीट करना ज़रूरी है क्योंकि इसकी वजह से फिर कान में कॉम्प्लिकेशंस आते हैं, आवाज़ बदली हो जाता है एक्सेट्रा। तो ये सब कॉम्प्लिकेशंस है साइनोसाइटिस के, और इस सब में फीवर आती है। ये एक सबसे कॉमन कॉम्प्लिकेशन है साइनोसाइटिस का, जब आँख के ऊपर सूजन आ जाती है और उसके ऑर्बिटल सेल्यूलाइटिस बोलते हैं। पुराने ज़माने में ऐसे बच्चों को या एडल्ट्स को एडमिट किया जाता था, नस के अंदर एंटीबायोटिक्स 10 से 14 दिन तक दी जाती थी, तब जाके भी 7वें दिन कुछ ज़्यादा फर्क नहीं होता था। आज के ज़माने में जब हमारे पास पेशेंट ऐसे आता है तो हम इसे एडमिट करते हैं और इसका सीटी स्कैन करा के देख लेते हैं कि भाई कहाँ पे उसको पस जमा हुआ है, और फिर एक छोटी सी सर्जरी जिसको नेजल एंडोस्कोपिक साइनस सर्जरी करते हैं, उसमें उसको बेहोश करके नाक में से दूरबीन डाल के ये पस को थोड़ा निकाल के उसको टेस्टिंग के लिए भेजते हैं। और ये वाला साइनस है राइट साइड का। लेफ्ट साइड के साइनस में देखा जाए, नाक के अंदर देखा जाए तो बहुत सारी सूजन है, हमें पता भी नहीं चलता है क्या चीज़ कहाँ पे है, लेकिन सीटी स्कैन के जरिए से हम जिस जगह पे पस इकट्ठा हुआ है उधर हम पहुंच जाते हैं और इस पस को हम ड्रेन करते हैं। सॉरी, इस जगह पहुंच के ये पस को ड्रेन करते हैं। एक बार जब ये पस निकल जाता है तब हम उसे बीटाडीन सॉल्यूशन से वॉश करते हैं और हम देख सकते हैं कि ये साइनस एकदम क्लीन और क्लियर हो जाता है। इसका नतीजा ये होता है कि 3 दिन में ही पेशेंट ठीक हो जाता है। अभी तक मैंने इसका ड्रेसिंग भी नहीं निकाला, ही इज एब्सोल्युटली फाइन, और बाय 5th डे ही इज बैक टू हिज नॉर्मल वर्क। तो इतना जल्दी ये छोटे से इंटरवेंशन के से इसको आराम मिल जाता है। टॉन्सिल एडेनोइड, सभी घर में टॉन्सिल एडेनोइड का कुछ ना कुछ तो प्रॉब्लम होता ही रहता है। ये ENT का सबसे बड़ा प्रॉब्लम या फ्रीक्वेंसी होती है केसेस में, और बच्चों और एडल्ट दोनों को ये इफेक्ट करता है। एडेनोइड्स के बारे में मैं कुछ बोलना चाहूँगी कि जब एडेनोइड्स क्या होते हैं, जब टॉन्सिल्स नाक के पीछे के भाग में रहते हैं उसको हम एडेनोइड्स बोलते हैं, और उसका इफेक्ट ये होता है कि बच्चे को बार बार या एडल्ट को भी बार बार साइनोसाइटिस होता है, फीवर आती है, कान में पेन होके कान की बीमारियाँ शुरू हो जाती है और इसमें से पीप निकलने लगता है। बच्चा रात को सो नहीं पाता है ठीक से, उसको चोकिंग होता है, बेड वेटिंग यानी रात को बेड में ही पेशाब कर देता है, और उसका वेट गेन नहीं होता है ठीक से। इसको कैसे जज करते हैं? पहले हम लोग सिर्फ एक एक्सरे करके देख लेते थे कि एडेनोइड्स बड़े हैं कि नहीं, लेकिन अभी एक्सरे करना ऑब्सोलीट है क्योंकि इसमें कोरिलेशन आता ही नहीं है कि कितने बड़े एडेनोइड्स सचमुच में हैं और क्या एक्सरे में दिखता है। सो नाउ वी नो लॉन्गर डू एन एक्सरे फॉर एडेनोइड्स, वी ऑलवेज एडवाइज अ सीटी स्कैन एंड एंडोस्कोपिक साइनस एग्जामिनेशन। तो इससे हमें जानकारी मिलती है सचमुच में कि भाई एडेनोइड्स सचमुच में निकालने लायक है या स्प्रे या किसी और टेक्निक से उसको ट्रीट किया जाए। इसकी सर्जरी पहले बहुत पॉपुलर नहीं थी क्योंकि इसमें लेस देन 0.7% को ब्लीडिंग होता था
और 29% बच्चों में एडेनोइड्स वापस बढ़ जाते थे। वो इसलिए होता था क्योंकि उस जमाने में हम लोग एडेनोइड्स ब्लाइंडली निकालते थे, क्यूरेट करके इंस्ट्रूमेंट से उसको सिर्फ फील करके पालपेट करके उसको निकाल देते थे। अभी ऐसा नहीं होता है, अभी हम टेलीस्कोप से एडेनोइड्स को देखते हैं और कोबलेटर या माइक्रोडिब्राइटर जैसे इंस्ट्रूमेंट से उसको निकालते हैं। एक जमाने में लेजर से भी उसको निकाला जाता था, लेकिन अभी वो भी ऑब्सोलीट है। लेजर से कभी एडेनोइड्स को नहीं निकालना चाहिए क्योंकि उसमें से स्टेनोसिस हो जाता है। तो ये ऐसा एक सीटी स्कैन करके हम पहले कंफर्म करते हैं कि भाई इतने बड़े एडेनोइड्स हैं। इतने बड़े एडेनोइड्स कभी भी दवाई से जाने वाले नहीं हैं। तो इसे हम नेजल एंडोस्कोपी करते हैं, जैसे नाक में दूरबीन डाल के अंदर जाके हम पहले एडेनोइड्स को देखते हैं। ये एडेनोइड्स हैं जो नाक के पीछे के भाग को पूरा कंप्लीटली ऑब्स्ट्रक्ट करके रखते हैं। और फिर इसे ये कोबलेटर करके मशीन है जो एकदम आधुनिक इक्विपमेंट है और सूरत में इसी से अभी सभी लोग एडेनोइड्स निकालते हैं। तो ये एडेनोइड्स कोबलेटर से निकाला जा रहा है, इसको एब्लेट किया जा रहा है। इसमें आप देखते हैं कि एक बूंद भी ब्लड लॉस नहीं होता है और हर नूक एंड कॉर्नर, हर खून कोने में जाके इसको हम निकालते हैं। तो इसमें चांसेस ऑफ रिकरेंस आर ऑलमोस्ट नेग्लिजिबल या होता ही नहीं है। तो ये एक जानकारी आपको देना है कि ये अभी एडेनोइड्स निकालना बहुत सेफ है और कई बच्चों के लिए ये अनिवार्य बन जाता है। एडेनोइड चाइल्ड अगर हम देखें तो इसका एक लुक होता है जिसको हम एडेनोइड लुक बोलते हैं। जैसे ये बच्चे के बड़े एडेनोइड्स हैं, आप देख सकते हो कि एकदम उसका डल फेस है, वो मुंह से सांस ले रहा है, उसे हम बात करें तो वो नाक से बोलता है, उसकी स्पीच भी क्लियर नहीं रहती है, उसे ज़्यादा खाने में इंटरेस्ट नहीं रहता है क्योंकि उसका नाक हमेशा ब्लॉक रहता है। अब अगर आप नाक बंद करके खाने की कोशिश करो तो आप समझ सकते हो कि आपकी एपेटाइट ही चल जाती है। अगर इस बच्चे के एडेनोइड्स निकाले जाए तो उसकी पूरी पर्सनैलिटी बदल जाती है। ये लोग को इन बच्चों को कान की भी बीमारियां होती है, इसलिए वो कम सुनते हैं और उनका स्कूल परफॉर्मेंस कम हो जाता है। इसका अभी एडेनोइड निकाला गया है, आप देखते हो कि कितना एक्टिव बच्चा लग रहा है। ही इज गॉट हिज मिस्चीवस स्माइल बैक, ही कैन हियर प्रॉपरली एंड ही इज अ हैप्पी चाइल्ड। तो ये बच्चे के हम देखें तो ये टॉन्सिल्स हैं जो पुलिसमैन होते हैं अपने सिस्टम के, लेकिन जब ये पुलिसमैन ही करप्ट हो जाता है, यही घूस खाओ पुलिसमैन हो जाता है, तो उसे निकाल देना पड़ता है। और एडेनोइड्स 1/5 साइज के होते हैं, टॉन्सिल के 1/5 साइज के, लेकिन इन बच्चों में ये एडेनोइड्स भी टॉन्सिल के साइज के हो जाते हैं। तो इसमें फिर कोई गुंजाइश नहीं है मेडिकल ट्रीटमेंट की या होम्योपैथिक ट्रीटमेंट की या आयुर्वेदिक ट्रीटमेंट की, इट हैज टू गो। टॉन्सिल्स को देखें तो भाई टॉन्सिल्स जब सूज जाते हैं तो ऐसे दिखते हैं, ये तालू का भाग है, ये टॉन्सिल्स है और ये जबान है। उसमें ज़्यादा इन्फेक्शन हो जाए तो इसमें ऐसे पस दिखने लगता है, और ज़्यादा इन्फेक्शन हो जाए तो इसके ऊपर एक सफ़ेद परत आ जाती है जिसको हम फॉल्मिनेंट टॉन्सिलाइटिस या मेम्ब्रेनस टॉन्सिलाइटिस बोलते हैं। ये मैं इसलिए दिखा रही हूँ कि इसको भी एंटीबायोटिक से ट्रीट करना ज़रूरी है, लेकिन इसमें तीन चीज़ें याद रखनी होती है। कभी कभी ऐसी अपियरेंस एक डिजीज इन्फेक्शियस मोनोन्यूक्लियोसिस में आती है, डिप्थीरिया में आती है और ल्यूकेमिया में भी आती है। तो अगर बार बार ऐसे इन्फेक्शियस टॉन्सिल्स हमको देखने को मिले तो ये तीन डिजीजेस ख्याल में रखने चाहिए। टॉन्सिल में अगर पस बल जाता है तो इसको हम क्विंजी बोलते हैं, और एक बार ऐसे पस हो गया तो पस निकालने के बाद इसको निकालना अनिवार्य होता है, नहीं तो बार बार इसमें पस जमता रहता है। दूसरी एक चीज़ जिससे बार बार फीवर आता है वो है निमोनिया, और ENT में GERD या LPR जिसमें एसिड रिफ्लक्स होता है, उन लोगों को निमोनिया बार बार होता है, जिसके बारे में मैं बाद में आपको बताऊंगी। और लास्ट में होता है गले में गांठें निकलना या सर्वाइकल लिम्फेडेनाइटिस, ये बैक्टीरिया, TB या कैंसर की वजह से हो सकते हैं। और बैक्टीरिया में हमें सोर्स पहले ढूंढना होता है, या तो एक खाने की नली में होता है, गले के कोई छेद में होता है, या फिर स्कैल्प की इन्फेक्शन के वजह से होता है, या दांत के इन्फेक्शन के वजह से होता है। तो ये इसका सोर्स पहले निकालना बहुत ढूंढना बहुत ज़रूरी है।
ब्लड एग्जामिनेशन इसके लिए जरूरी है और जब गले में गांठिया होती है तो ये एक सिंपल सा टेस्ट है, फाइन नीडल एस्पिरेशन साइटोलॉजी, वो कराना अनिवार्य है, जिसमें गांठ के अंदर एक बाल जैसी पतली सुई डाली जाती है, उसमें से मटेरियल निकाला जाता है और पैथोलॉजिस्ट हमें इसका इसके छोटे से प्रोसीजर में निदान करके बता सकते हैं कि भाई ये गांठ किसकी है, टीबी की है, कैंसर की है, इन्फेक्शन की है, थायराइड डिजीज की है, ये सब ये बता सकते हैं। लास्ट में एक सब्जेक्ट है सीएसएफ लीक। सीएसएफ यानी ये मगज के आजू बाजू पानी घिरा हुआ रहता है, जिसको हम सेरेब्रोस्पाइनल फ्लूइड बोलते हैं। ये नाक के करीब एक छोटे से एक पतले से हड्डी से नाक को ये सेपरेट करता है। कभी कभी ये हड्डी के अंदर फ्रैक्चर हो जाता है या अपने आप ये हड्डी घुल जाती है और तब ये सेरेब्रोस्पाइनल फ्लूइड दिमाग से निकल के नाक में से निकलता रहता है, जिसको सेरेब्रोस्पाइनल राइनोरिया कहते हैं। 15 साल तक के पहले ये इसका ट्रीटमेंट न्यूरोसर्जन ही करते थे, तो वो लोग ये अपने स्कल को यानी खोपड़ी को खोलते थे, जो ब्रेन होता है उसको रिट्रैक्ट करते थे और फिर इसका सील करते थे, लेकिन इनकी सक्सेस रेट सिर्फ 60% रहती थी। अभी कोई न्यूरोसर्जन इसको सील नहीं करता है, अभी ये ENT सर्जन ही करते हैं और वो भी टेलीस्कोप के जरिए। तो हम पेशेंट को पहला CT स्कैन करते हैं, फाइंड आउट करते हैं कि कहाँ से ये निकल रहा है, नाक के अंदर टेलीस्कोप डाल के ढूंढते हैं कि भाई कहाँ से ये पानी निकल रहा है। तो ऐसी एक छोटी सी कोथली होती है जिसमें से ये पानी लीक होता है, जिसको हम मेनिंगोसील बोलते हैं, और इसका रिपेयर ENT सर्जन नाक के द्वारा ही करता है। तो जैसे हम नाक के अंदर जाके इस जगह को ढूंढ निकालते हैं जहाँ से ये लीक हो रहा है, ये नाक का भाग है और इसके ऊपर मगज का भाग है और ये एक परत है जहाँ से ये छोटा सा छेद है जिसमें से CSF लीक करता है। तो इस जगह को हम पेट के हिस्से से फैट लेते हैं यानी चर्बी निकालते हैं और ये चर्बी को इसके अंदर स्टफ कर देते हैं, घुसा देते हैं और इससे ये लीक बंद हो जाती है। इसके बाद हम एक फेशिया लेते हैं पैर के रीजन से और ये फेशिया को उसके ऊपर लगा देते हैं और इसके लगाने के बाद इसके ऊपर एक फेविकोल जैसा पदार्थ डाल देते हैं जिसको हम टिश्यू ग्लू बोलते हैं। तो ये टिश्यू ग्लू उसके ऊपर डाल देते हैं, टिश्यू ग्लू डालने से इसका सील 100% हो जाता है और इसके बाद ये टिश्यू ग्लू डाल रहे हैं और इसके बाद इसकी वापस होने की कोई गुंजाइश नहीं रहती है। तो एक CSF लीक रिपेयर है, इसको रिपेयर करना ज़रूरी है क्योंकि इसमें से बार बार मेनिनजाइटिस होता है और जान को खतरा रहता है। अभी एक दूसरा टॉपिक है जो नया है हम सब के लिए, जिसको हम बोलते हैं लैरिंगोफैरिंजियल एसिड रिफ्लक्स। ये इसकी संशोधन और इसका अस्तित्व 2002 में डॉक्टर जॉन कॉफमैन ने दिया है और ये हमारे बीच में ये बहुत ज़्यादा अभी दिखने को मिलता है। मेरी OPD में 35% ऑफ द पेशेंट्स को लैरिंगोफैरिंजियल रिफ्लक्स रहता है। इसके मुख्य कारण इसका वॉइस चेंज और गले में खराश रहना होता है और एक स्टडी की गई है डॉक्टर पीटर बेलेंस की, उसने बताया है कि 75% ऑफ द एस्थमेटिक्स 20% ऑफ क्रॉनिक पेशेंट्स ऑफ कॉफ जिनको खांसी आती रहती है और 78% ऑफ पेशेंट्स ऑफ डिस्फोनिया जिसकी आवाज़ बदली होती है उनको लैरिंगोफैरिंजियल रिफ्लक्स रहता है। जब हम पेशेंट को बताते हैं कि इनको लैरिंगोफैरिंजियल रिफ्लक्स होता है तो सबसे पहला उनका रिएक्शन होता है, नहीं हमें एसिडिटी नहीं है, हमारे पेट में जलन नहीं है, हमें कोई इंडिजेशन नहीं है, लेकिन इनको ऐसा कुछ भी नहीं होता है। ये जब पेट की एसिड गले के अंदर और स्वरपेटी के पास सिर्फ दिन में 2 या 3 बार 1 या 2 छींटे आते हैं तो ये डिजीज सेटिंग हो जाता है और सबसे ज़्यादा पेशेंट को एक ही सिम्टम होती है कि एक बाजू गले में उसको दर्द रहता है, चुभता रहता है, वो बोलता है मेरे गले में कुछ फंसा हुआ है, यही, और उनकी आवाज़ बार बार बदल जाती है। तो ये है लैरिंगोफैरिंजियल रिफ्लक्स, ये जानना हमें ज़रूरी है। बच्चों में ये बहुत सीरियस है क्योंकि सडन इन्फेंट डेथ ये लैरिंगोफैरिंजियल रिफ्लक्स से होते हैं। ये गैस्ट्रोइसोफेजियल रिफ्लक्स से बहुत बहुत अलग है। गैस्ट्रोइसोफेजियल रिफ्लक्स में ये सभी पाया जाता है, छाती में जलन, पेट में जलन, डिस्पेप्सिया, ढकार आना, ये सब गैस्ट्रोइसोफेजियल रिफ्लक्स होता है।
लैरिंगोफैरिंजियल रिफ्लक्स है, बहुत साइलेंट डिजीज है लेकिन बहुत परसिस्टेंट होता है। इसकी इसे कैसे परखा जाए, तो एक वीडियो लैरिंगोस्कोपी करके या स्ट्रोबोस्कोपी करके हम टेलीस्कोप से इसके स्वरपेटी को देखते हैं और जब पेशेंट और बेरियम स्वॉलो करते हैं, बेरियम स्वॉलो से पता चलता है कि इसका लैरिंगोफैरिंजियल रिफ्लक्स माइल्ड, मॉडरेट या सिवियर है। तो अगर हम देखें तो इसकी स्वरपेटी ऐसे हमको टेलीस्कोप से दिखाई देती है, ये इसके दो पर्दे और इसके आजू बाजू ये लालास हो जाती है और इसमें एक ऐसी लाइन आ जाती है जिसको हम पैकीडर्मिया बोलते हैं। दिस इज डायग्नोस्टिक और लैरिंगोफैरिंजियल रिफ्लक्स। ये नॉर्मल लैरिंग्स है और जिसको रिफ्लक्स होता है उसमें ऐसी सूजन आ जाती है, तो ये भी हम दूरबीन से स्ट्रोबोस्कोपी से पता चल जाता है कि इसको लैरिंगोफैरिंजियल रिफ्लक्स है। अगर हम इसको नहीं ट्रीट करें तो क्या होता है, आवाज़ और बिगड़ती जाती है, कभी कभी गले से और मुंह से खून गिरता है, खाने पीने में उसको दिक्कत आती है और जैसे मैं बोलती हूँ उनका पूरा दिमाग एक ही पॉइंट के ऊपर टिक जाता है कि मुझे इस जगह पे दर्द है और धीरे धीरे की इनकी एपेटाइट भी कम हो जाती है। इसको कैसे हम ट्रीट करें, इसका ट्रीटमेंट परसिस्टेंट होना चाहिए और बहुत सिंपल है, दैट इज़ यू अवॉइड 7 C's। ये 7 C's क्या है, सिगरेट्स, एल्कोहल, कार्बोनेटेड ड्रिंक्स लाइक पेप्सी, कोला एक्सेट्रा, कैफीन, बहुत ज़्यादा कॉफ़ी नहीं पीना चाहिए, सिट्रस फ्रूट्स लाइक लेमन, ऑरेंजेस, ग्रेप फ्रूट एंड स्पाइसेस एंड चिली, तीखी तली हुई चीज़ें, इनको हमें थोड़ा लाइफस्टाइल मॉडिफिकेशन करके इनको निकाल देनी चाहिए। स्मॉल फ्रीक्वेंट मील्स, थोड़ा थोड़ा बार बार हर 3 घंटे को खाना चाहिए। रात को सोते वक्त गार्लिक, अनियन, मिल्क एंड मिल्क प्रोडक्ट्स नहीं लेने चाहिए, फर्मेंटेड फूड्स नहीं लेने चाहिए, जैसे ढोकला है, इडली है, वो रात को नहीं लेना चाहिए इन पेशेंट्स को। उनको वेट लॉस करना चाहिए, हॉट टाइट कपड़े नहीं पहनने चाहिए और खाना खाने के बाद कम से कम 2 घंटा अपराइट रहना चाहिए। मेडिकली उसको प्रोटॉन पंप इनहिबिटर नाम की दवाई से ट्रीट किया जाता है जो आमतौर पर ओमेज या रेंटैग या रेबिप्रजोल के नाम से पाई जाती है, लेकिन इसका कैवियट ये है कि इनको 3 से 6 महीने तक लेना पड़ता है। 15-20 दिन की दवाई से इसे कोई फायदा नहीं होता है। पेशेंट को मूड इनहिबिटर्स भी कभी कभी देने की ज़रूरत पड़ती है ताकि उनका एसिड बनना थोड़ा कम हो जाए और विटामिन D3 की मात्रा उनकी अच्छी होनी चाहिए, मोर देन 40, तब जाके ये लैरिंगोफैरिंजियल रिफ्लक्स बंद होता है। तो ये क्या हम प्रिफर करेंगे, हमारे पार्टनर में से जो ऐसे ज्वाला निकलती रह लेती है लैरिंगोफैरिंजियल रिफ्लक्स की, या दिस, द चॉइस इज योर्स। एक थोड़ा सा जानकारी, अभी ENT में कितनी प्रोग्रेस हो गई है और उनकी सर्जरी, ENT सर्जन क्या क्या सर्जरी कर सकता है, तो इसके लिए मैं 2-3 मिनट के ऊपर बोलूँगी। एक तो मैंने जैसे बताया कि एंडोस्कोपिक साइनस सर्जरी जिसको हम फेस बोलते हैं, जिसमें हम दूरबीन की वजह के जरिए से साइनसिस में जाते हैं, साइनसिस का डिजीज निकाल देते हैं, लेकिन साइनस की जो नॉर्मल म्यूकोजा है, नोज की जो नॉर्मल म्यूकोजा है उसको बिल्कुल हम टच नहीं करते। सो दिस इज अ फंक्शनल एंडोस्कोपिक साइनस सर्जरी और ये टेलीस्कोप के जरिए किया जाता है। ये हमारे इंस्ट्रूमेंट्स हैं और ये एक इंस्ट्रूमेंट है जिसका नाम डिब्राइडर है, जिसकी वजह से हम नाक के छोटे से छिद्र से 4 मिलीमीटर के स्कोप से अंदर जाके ये सब सर्जरी करते हैं। तो साइनस के सर्जरी के बावजूद हम वो जो CSF राइनोरिया जो मैंने बताया वो भी मगज का हम सॉल्व कर सकते हैं। इन सब में CT स्कैन होना बहुत ही अनिवार्य है। जब हम पेशेंट को CT स्कैन के बारे में बताते हैं तो बोलते हैं स्कैन कराना ज़रूरी है, तो मेरी ये सलाह है कि स्कैन कराने से आप मत डरिए। स्कैन एक ऐसी चीज़ है जिसमें डॉक्टर का भी नहीं चलता, पेशेंट का भी नहीं चलता है, जो है वो आ जाता है। डॉक्टर के लिए ये बहुत अनिवार्य होता है जब हमको साइनस सर्जरी करनी पड़ती है, और पेशेंट के लिए भी ये अच्छा होता है क्योंकि पेशेंट खुद देख सकता है कि उसे क्या क्या डिजीज़ है और कितना फैला हुआ है। तो जैसे मैं बता रही थी, साइनस के सिवाय एक ऑप्टिक नर्व डीकम्प्रेशन भी इससे हो सकता है, यानी जब एक्सीडेंट में किसी की आँख की रोशनी चली जाए फ्रैक्चर्स की वजह से, तो ये टेलीस्कोप के जरिए ही हम अंदर जाके इसकी आँख की रोशनी वापस ला सकते हैं। इसके मूवीज़ में मैं नहीं दिखाऊंगी क्योंकि हमारे पास टाइम बहुत कम है। पिट्यूटरी ट्यूमर यानी मगज़ के अंदर एक पिट्यूटरी ग्लैंड होता है जो मगज़ के सबसे भीतर रहता है,
और ये ग्लैंड में जब ट्यूमर होते हैं तो पहले के जमाने में न्यूरोसर्जन पूरी स्कल को ओपन करके ब्रेन को रिट्रैक्ट करके इसमें जाते थे और ये ट्यूमर को निकालते थे। इसमें पेशेंट का हॉस्पिटल स्टे 3-4 हफ्ते तक हो जाता था। उसे कई तरह की पैरालिसिस पैरालिसिस भी हो जाते थे। अभी ये नहीं किया जाता है। अभी ये सर्जरी वापस नाक और टेलीस्कोप से ये काम करते हैं, पूरा ब्रेन में जाते हैं, ये ट्यूमर को निकालते हैं और पेशेंट 3-4 दिन में ही सही हो जाता है, घर जा सकता है। और ये ट्यूमर मैंने निकाला हुआ है, यू कैन सी इट वॉज सच अ बिग ट्यूमर एंड नाउ वी हैव रिमूव्ड इट फ्रॉम द नोज। इसी टेलीस्कोप से हम म्यूकोरमाइकोसिस करके एक बीमारी होती है जो एक जानलेवा फंगस की बीमारी होती है जो मगज में फैलती है, इसकी ट्रीटमेंट भी हम टेलीस्कोप से ही कर देते हैं। ये ट्यूमर्स होते हैं, जैसे ये बेनाइन ट्यूमर है और ऑल्फैक्टरी न्यूरोब्लास्टोमा, वैसे ही नाक के कैंसर के ट्यूमर से वो भी हम टेलीस्कोप से निकाल देते हैं। ये ट्यूमर था इतना बड़ा, अभी पोस्ट ऑपरेटिव आप देख सकते हैं कि बिल्कुल ट्यूमर रहा ही नहीं है। तो इस तरीके से ये दूरबीन से, जैसे हम लेप्रोस्कोपी करके बहुत कम समय में पेशेंट को एम्बुलेंट कर सकते हैं, टेलीस्कोपिक सर्जरी के बाद भी पेशेंट बहुत जल्दी घर जा सकता है। ये एक और भयानक फंगल इन्फेक्शन है जिसको भी हम सर्जरी से निकाल सकते हैं। और ये सब करने के लिए हमें एक इंस्ट्रूमेंट की ज़रूरत रहती है जिसका नाम है इमेज गाइडेड नेविगेशन सिस्टम। ये GPS की तरह होता है, जैसे हम कहीं पे खो गए हैं और कार में हम GPS को ऑन करते हैं तो GPS हमको बताता है कि भाई फला जगह कैसे जा सकते हैं, इसका रूट क्या है, सबसे सेफ क्या है। तो ये भी नेविगेशन सिस्टम मुझे बताता है कि जब मैं ऑपरेट कर रही होती हूँ और फला जगह पे हूँ तो मैं आँख से कितनी दूर हूँ, मगज से कितनी दूर हूँ, कैरोटिड आर्टरी से कितनी दूर हूँ। तो ये सर्जरी बहुत इंटरेस्टिंग सर्जरी होती है लेकिन इसमें अपना स्किल होना बहुत आवश्यक है। लास्टली मैं खर्राटे के बारे में बोलना चाहूँगी। हर घर में कोई ना कोई ऐसा होता है जो खुद तो सोता है लेकिन औरों को सोने नहीं देता, और ये खर्राटे की प्रॉब्लम के लिए वो आदमी बेचारा जोक के बराबर हो जाता है। तो हमें सोचना चाहिए कि सचमुच में ये एक हास्यप्रद अभिव्यक्ति है या इसे किसी इलाज की ज़रूरत है। क्या इसे ऑब्स्ट्रक्टिव स्लीप एपनिया तो नहीं है, OSA तो नहीं है? अभी OSA क्या चीज़ होती है? OSA यानी एक आदमी जब खर्राटा लेता है तब थोड़ा टाइम खर्राटा लेना बंद कर देता है तो उसको ऑब्स्ट्रक्टिव स्लीप एपनिया कहते हैं। जब वो खर्राटे लेना बंद करता है तब उसकी सांस भी रुक जाती है, वो गहरी नींद से हल्की नींद में आ जाता है और उसकी नींद डिस्टर्ब हो जाती है। फिर वो बेचारा आदमी 10 कलाक सोए या 8 घंटा सोए, उसे कभी रेस्ट नहीं मिलती है और सुबह में वो फ्रेश कभी नहीं उठता है। तो ये अगर हमने वर्ल्ड स्टैटिस्टिक्स ली है तो देखा जाए कि वैसे भी हम स्लीप के हमारे घंटे कम ही होते जा रहे हैं। जैसे इस स्टडी में दिखाया गया है कि 1990 में आम आदमी 9 घंटे सोता था, 1975 में दी एवरेज स्लीप केम डाउन टू 7.5 आवर्स, और 2000 के बाद तो 7 घंटा भी आम आदमी नहीं सो पा रहा है, और उसमें भी अगर उसको ऑब्स्ट्रक्टिव स्लीप एपनिया है तो बेचारा कैसे सो सके। तो अभी ऑब्स्ट्रक्टिव स्लीप एपनिया में क्या होता है, तो अगर हम देखा जाए कि ये आदमी थका हारा घर पे आता है, डिनर लेता है, ये उसने एक प्रोब लगा रखा है हमारी जानकारी के लिए जिससे उसके इस मॉनिटर में पल्स और ऑक्सीजन सैचुरेशन नापा जाता है। अभी ये सो रहा है तो इसका सैचुरेशन ऑक्सीजन का 97% है, उसकी पल्स 68 है, वो नॉर्मल आदमी के लिए ठीक है। अभी धीरे धीरे वो सोने लगता है तो उसकी पल्स और कम हो जाती है जो होनी चाहिए, लेकिन अभी वो खर्राटे लेना उसने शुरू किया है। जैसे खर्राटे लेता है तो उसका ऑक्सीजन सैचुरेशन कम होने लगता है, यहाँ तक भी सही है, लेकिन खर्राटे लेते लेते वो एपनिया में चला जाता है, यानी वो उसने खर्राटे लेने बंद कर दिए। जब खर्राटे लेने बंद करता है तो अब आप देख सकते हो कि उसका ऑक्सीजन लेवल धीरे धीरे कम होता जाता है। जैसे जैसे ऑक्सीजन लेवल कम होता जाता है इसकी पल्स रेट बढ़ती जाती है, और इतने टाइम तक वो ऑक्सीजन के बिना ही सो रहा है। उसकी बीवी समझती है कि चलो अच्छा है उसके खर्राटे बंद हो गए, लेकिन खर्राटे बंद नहीं हुए, वो एक डेंजरस लेवल पे पहुंच गए हैं और इसका अभी सैचुरेशन सिर्फ 56% हो गया है। इस पॉइंट के ऊपर
वो चौक है होके उठ जाता है और जोर जोर से सांस लेने लगता है, उसके हृदय की गति और बढ़ जाती है, उसको पाल्पिटेशन होने लगते हैं और क्योंकि वो बहुत थक गया है वो वापस थोड़ी देर के बाद सो जाता है। तो इस तरीके से ऑब्स्ट्रक्टिव स्लीप एपनिया में अगर देखा जाए तो बार बार ऑक्सीजन गिरता है, हार्ट रेट बढ़ जाती है। इस इधर अगर हम देखें तो ये ऑक्सीजन ठीक है, हार्ट रेट भी उसकी ठीक है। जैसे ऑक्सीजन कम हो गया इसकी हार्ट रेट बढ़ गई, वापस उसका ऑक्सीजन कम हो गया और ऑक्सीजन ठीक हो गया, हार्ट रेट ठीक हो गई। तो बार बार इसमें इसके हृदय के ऊपर इसको प्रॉब्लम आते रहते हैं। और ये क्यों होता है हमें अगर हम देखा जाए देखें तो जब आदमी सांस लेता है तो उसकी सांस नाक से जाके ये नली फैरिंग्स जिसको बोलते हैं उसमें जाके श्वास नली में जाती है और फिर फेफड़ों में जाती है। जब ये सांस लेता है तो ये फैरिंग्स बहुत इंपॉर्टेंट जगह है क्योंकि उसे खुला रहना होता है। उसको खुला कैसे रखते हैं, तालू और जबान का भाग वो आगे की तरफ खींचता है और ये पैसेज उसका क्लियर हो जाता है। तो नॉर्मल ब्रीदिंग क्लियर है लेकिन जब ऑब्स्ट्रक्टिव स्लीप एपनिया होता है तो तालू और जबान का भाग पीछे की तरफ आ जाता है और उसे ब्लॉक कर देता है। इसको ऑब्स्ट्रक्टिव स्लीप एपनिया जैसे मैंने बोला होता है, सांस लेना रुक जाता है और फिर जब बहुत ऑक्सीजन सैचुरेशन फॉल होता है तब वो चोक होके उठ जाता है, उठ के थोड़ी टाइम बाद वापस हो जाता है, वापस ऑब्स्ट्रक्शन में बढ़ जाता फंस जाता है। इसके कई कारण होते हैं और सबसे बड़ा कारण इसका होता है मोटापा। तो जब बहुत मोटापा होता है तो चर्बी की वजह से ये नली अपनी सिकुड़ जाती है। दूसरा कारण है इसका जॉ लाइन, अगर जॉ लाइन एकदम पीछे रिसीडिंग होता है तो भी उसको ऑब्स्ट्रक्टिव स्लीप एपनिया होता है। ये मसल्स के जब टोन कम हो जाता है एज की वजह से तब ऑब्स्ट्रक्टिव स्लीप एपनिया होता है और बच्चों में जब टॉन्सिल्स बढ़ जाते हैं तो ऑब्स्ट्रक्टिव स्लीप एपनिया होता है। तो हमने इसके रिस्क फैक्टर्स तो देख लिए जैसे एज, ओबेसिटी, सेक्स, एनाटॉमिकल डिसऑर्डर्स। अभी ओबेसिटी ये एक बहुत स्ट्रॉन्ग फैक्टर है खराटे और ऑब्स्ट्रक्टिव स्लीप एपनिया के लिए। ये देख सकते हो, आप देख सकते हो कि अभी इतनी सारी चर्बी है तो बेचारा आदमी कहाँ से ठीक से सांस ले पाएगा। हम इनको बोलते हैं कि भाई आप वेट कम करो लेकिन ये वेट कम नहीं कर सकता है क्योंकि उसमें इतनी एनर्जी नहीं रहती है। वो बेचारा सुबह में उठता है तब भी बहुत थका हुआ ही होता है। मेल इसमें ये बीमारी ज़्यादा होती है क्योंकि इनकी नेक की सर्कमफेरेंस बहुत जल्दी बढ़ जाती है और उनकी फेरिंग्स बहुत लंबी होती है, इसलिए इट इज़ मोर कॉमन इन मेल्स। क्रेनियोफेशियल एनोमलीज जिससे जैसे मैंने बताया जड़बे की अगर तकलीफ है, यानी वो जड़बा पहले से ही बनावट से ही अगर वो रिग्रेस्ड है जिसको हम रिट्रोग्रैथिया बोलते हैं तो इन पेशेंट्स में खराटे लेना बहुत जल्दी आ जाता है। टॉन्सिल्स और पैलेट यानी तालू बहुत इनका मोटा रहता है, इनका एक हायोइड बोन है वो ज़्यादा ऊपर की तरह रहता है और इससे इनको खराटे आते हैं। तो अगर हम पेशेंट को देखते हैं ओपीडी में और ऐसा पाते हैं जैसे बहुत बड़े टॉन्सिल्स, इतना मोटा तालू, तो हमें पता चल जाता है कि ये आदमी खराटे लेता है। हम पूछते हैं इसे कि आप खराटे लेते हो, बोलते नहीं मैं तो कभी खराटे नहीं लेता। उसकी बीवी साथ में होती है, वो बेचारी शर्म के मारे बोलती है कभी कभी खराटे लेते हैं, लेकिन हमें पता चल जाता है कि ये आदमी स्नोरर है। जब ये 8 या 10 घंटे की नींद के बाद उठता है तो अभी कभी फ्रेश नहीं फील करता है, उसे लगता है मैं और सो लूँ, 10 मिनट और सो लूँ। इसको पूरा टाइम दिन में भी नींद आती रहती है, उसको चोकिंग होता रहता है, उसको LPR बहुत ज़्यादा होता है, उसके बार बार उसके गले में एसिड आता रहता है, इसको मेमोरी लॉस होने लगता है, वो ठीक से कॉन्सेंट्रेट नहीं कर पाता है और उसका स्वभाव भी थोड़ा चिड़चिड़ा हो जाता है। बार बार उसको पेशाब करने उठना पड़ता है, जब उठता है तब तो उसका गला पूरा गला सूखा हुआ होता है, उसको सुबह में हेडेक्स रहते हैं, उसकी सेक्सुअल एक्टिविटी भी कम हो जाती है। तो हर आदमी जो ऐसे स्नोर करता है अलग अलग आवाज़ से, गरजने की आवाज़ से, सीटी की आवाज़ से, बेल की आवाज़ से, और उसका बेचारा पार्टनर इतना परेशान होता है तो उसको या तो अकेले सोना पड़ता है या फिर सबकी हंसी का कारण बन जाता है। अगर आपके घर में ऐसा कोई है तो उसे ट्रीटमेंट की ज़रूरत होती है, उसको इन्वेस्टिगेट कराना तो कम से कम आपका फर्ज बनता है। इसकी स्टडी
इसको इन्वेस्टिगेट करने के लिए एक स्लीप स्टडी की जाती है, दूसरा इसको सीटी स्कैन करा सकते हैं, और तीसरा है एक ड्रग इंड्यूस स्लीप स्टडी, यानी पेशेंट को एक छोटा सा इंजेक्शन दे के सुला देते हैं, नाक से एक पतली दूरबीन डाल के देखते हैं कि किस जगह पे इसकी स्नोरिंग आती है। तो ये एक स्लीप स्टडी है जिसमें पेशेंट को नॉर्मल स्लीप में सुलाने के बाद ये सारे इलेक्ट्रोड्स लगाए जाते हैं और इसकी ब्रेन एक्टिविटी, पल्स, उसका मसल टोन, इसकी रेस्पिरेटरी रेट, ये सब नापा जाता है और ऐसा एक कार्डियोग्राम जैसा स्लीप ग्राम निकाला जाता है और इससे इसकी सिवियरिटी नापी जाती है। अगर माइल्ड है, माइल्ड का मतलब होता है कि इसकी सिवियरिटी में सिर्फ 5 बार, 1 घंटे में 5 बार उसको ऑब्स्ट्रक्टिव स्लीप एपनिया होता है, तो ये कोई बहुत खतरनाक चीज़ नहीं है, ये सिर्फ औरों को डिस्टर्ब करता है और छोटी सी लेज़र सर्जरी से इसका ट्रीटमेंट या कोबलेटर सर्जरी से ट्रीटमेंट हो जाता है। लेकिन जब इसको मॉडरेट या सिवियर एपनिया आता है स्लीप स्टडी में, यानी घंटे में 30 बार वो सांस लेना रुक जाता है, तो इसकी ट्रीटमेंट की ज़रूरत होती है, क्योंकि इससे 3 बहुत भयानक रिजल्ट्स आते हैं। एक तो उसको डायबिटीज़ हो जाता है, या डायबिटीज़ होता है तो वो अनकंट्रोल्ड रहता है। दूसरा, उसको बिकॉज चैन की नींद नहीं आती है, उसको थोड़ा थोड़ा डिप्रेशन होने लगता है। और तीसरा सबसे खतरनाक चीज़ है, उसको एरिथमियाज हो जाते हैं, यानी इसकी हार्ट की गति इरेग्युलर हो जाती है, जिससे उसे कार्डियक प्रॉब्लम्स होने लगते हैं और सोते वक्त ही हार्ट अटैक भी आ जाता है या स्ट्रोक हो जाता है। हमने सुना है कि ज़्यादातर हार्ट अटैक्स लेट नाइट या अर्ली मॉर्निंग को ही आते हैं, जब पेशेंट एक्चुअली सबसे गहरी नींद में सोया होता है, और सबसे ज़्यादा कॉज इसका स्लीप ऑब्स्ट्रक्टिव स्लीप एपनिया है। इसलिए इनका ट्रीटमेंट कराना ज़रूरी है। सर्जरी से ट्रीटमेंट कर सकते हैं, जिसमें एक कोबलेटर से UVPP करके सर्जरी करते हैं, जो लैक्स मसल्स है उनको प्लास्टिक सर्जरी से टाइट कर देते हैं, या फिर अगर सर्जरी नहीं करानी हो या पेशेंट बहुत मोटा हो तो उस समय बार बार नहीं कहना चाहिए कि वजन घटाओ, क्योंकि उसमें इतनी एनर्जी नहीं रहती है वजन घटाने की। तो उसके स्लीप एपनिया को पॉजिटिव एयरवे यानी एक मशीन के द्वारा उसके नाक में हवा भरी जाती है, ताकि ये तालू और जबान का भाग थोड़ा खुला रहे और वो सांस ले पाए। तो इसको स्लीप एप मशीन कहते हैं, इससे वो चैन की नींद सो सकता है, सेफ रह सकता है और औरों को भी सोने देता है। मार्क ट्वेन करके एक अंग्रेजी के बहुत बड़े साहित्यकार हैं, रह चुके हैं, उन्होंने एक स्टेटमेंट किया था सालों पहले, डोंट एवर गो टू स्लीप, टू मेनी पीपल डाई देयर। तो उस समय शायद वो ऑब्स्ट्रक्टिव स्लीप एपनिया के बारे में बता रहे होंगे। इधर मैं मेरा वक्तव्य एंड करती हूँ। थैंक यू ऑल फॉर अ वेरी वेरी पेशेंट हियर। थैंक यू सरिता बहन। मैडम, आपने बहुत ही सिंपल और लाइव वीडियो के साथ हमको दिया। अभी मैं डॉक्टर आलोक जी को इनवाइट करता हूँ। आलोक जी अपना कंटिन्यू करें टॉपिक। गुड मॉर्निंग। मैं जीवन आदर्श ट्रस्ट का बहुत आभारी हूँ। एक सेकंड जरा, अहदेदारों का भी बहुत आभारी कि मुझे मौका दिया यहाँ बोलने का। जब श्रीकांत जी आए थे तो हाँ तो कह दिया था, लेकिन दो बड़ी दुविधा थी। एक तो हिंदी में बोलना, आदत नहीं है हिंदी में लेक्चर देने की। ज़्यादातर मेडिकल लेक्चर होते हैं अंग्रेजी में होते हैं, टेक्निकल लैंग्वेज रहती है, तो उसको सुधारना और उसको हिंदी में बोलना ज़रा सोचा था मुश्किल रहेगा। तो प्रयास तो करूँगा हिंदी में बोलने का, लेकिन कई जगह पर अंग्रेजी तो आ ही जाएगी। दूसरी दुविधा थी कि कॉमन पब्लिक को लेक्चर देना था, तो अब वो भी आदत नहीं है, तो कितना सिंपल रखें, कितना डिटेल में जाएं, कितना ज्ञान दें। फिर मैंने सोचा कि भाई ज्ञान तो नहीं दूंगा, थोड़ी अवेयरनेस बढ़ा देते हैं। स्वार्थ मेरा भी था कि ज़्यादा ज्ञान दे दूंगा तो मेरा ही धंधा बंद हो जाएगा, मेरा ही धंधा। तो खैर, दो टॉपिक कवर कर लूंगा, एक तो वॉइस और एक कान के बारे में थोड़ा अपडेट दे दूंगा। वॉइस आप देखा जाए तो एक तरह से आपकी पहचान है, आपका फिंगरप्रिंट है। आप ऑडियंस में आंख बंद करके भी बैठे हैं, श्रीकांत जी बोल रहे थे, आप बता बोल देंगे ये श्रीकांत जी बोल रहे हैं। आप 1970s में शायद एक पिक्चर आई थी, आपने देखी होगी किनारा, जिसमें गुलजार साहब ने लिखा था कि
नाम गुम जाएगा, चेहरा ये बदल जाएगा, मेरी आवाज ही पहचान है, कर याद रहे। तो वॉइस के बारे में कुछ भी हो जाता है, हर आदमी पूछते भी क्या हो गया, क्या हो गया, फोन पे भी बात पे क्या हो गया तेरा वॉइस। सो इट इज इंपॉर्टेंट कि अपने वॉइस के बारे में जाने। अब एक मिसकंसेप्शन में निकालना चाहता हूं, वॉइस और स्पीच दोनों अलग है। आवाज हर जानवर निकालता है, अपने यूनिक नहीं है, आवाज आवाज है वो सभी आदमी। स्पीच यूनिक है कि जो सिर्फ आदमी निकाल सकता है, जिसको हम बोली बोलते हैं, जिसको भाषा बोलते हैं। आवाज निकलती है गले में से, जिसको वॉइस बोलते हैं। स्पीच यहां से कंट्रोल होते हैं, दिमाग से। बच्चा पैदा होते ही रोने लगता है, आवाज निकलता है। बोलना तो 2 साल के बाद सीखता है, जब उसका ब्रेन डेवलप होता है, जब उसकी ऊंघ को कैसे कंट्रोल करना। सो लोग जब बोलने के बारे में आते हैं कि वे स्ट्रोक हुआ बोल नहीं पाते हैं कि ये, तो वो चीज टोटली अलग है। हम सिर्फ आवाज के बारे में बात करेंगे जो अपने गले में से निकलती है और जो अपने स्वर पिंडियों में से निकलती है। बेसिक पहले तो समझे कि आवाज कैसे बनती है, तो हम जान सकेंगे कि भाई प्रॉब्लम कहाँ है। सांस अंदर लेते हैं, फेफड़ों में आवाज हवा जाती है पूरी, करेक्ट। अब फेफड़ों में ये जो हवा हम भर लेते हैं फेफड़ों के अंदर, वो हवा बाहर निकालते वक्त आवाज निकलती है बोलते वक्त। सो सबसे पहली बात तो ये है कि ब्रीदिंग ब्रेथ बाहर निकलती है, अपने गले में आके यहां पर अपनी स्वरपेटियां बनी हुई है। तो जैसे जैसे हवा बाहर निकलती है, स्वरपेटियां खुलती है, बंद होती है, खुलती है, बंद होती है, और धीरे धीरे आवाज वहां से निकलती रहती है। ये स्वर पेटी जो वाइब्रेट होती है उसमें से आवाज निकलती है, ठीक है, और इसे छोटे छोटे बर्स्ट में बाहर निकलती है और मुंह से आके फिर मुंह में हम उसको अपनी टंग से, अपनी जुबान से, अपने लिप्स से उसकी मूवमेंट करके भाषा में कन्वर्ट करते हैं। दूसरी चीज है आवाज की पिच चेंज करना। तो ये जो पूरा अपना स्वर पेटी है, एक तो आवाज नेचुरल फ्रीक्वेंसी से निकलती है, जैसे खुलती है और बंद होती है, और वाइब्रेशन होता है अपने स्वर पेटी का, तो उससे आवाज निकलती है। दूसरी है, अभी एक स्ट्रिंग है जिसको आप ज्यादा टाइट करेंगे या लूज करेंगे, उसके हिसाब से उसकी आवाज चेंज होगी। तो जैसे ही अपने स्वर पेटी के पड़ते हैं, उसका टेंशन बढ़ाएंगे या कम करेंगे, तो आपका पिच चेंज होगा। या तो मैं ऐसे बोल सकूंगा या तो मैं ऐसे बोल सकूंगा, सो उसका टेंशन से फर्क पड़ता है। तो अपने अपने जो गले के अंदर जो लारिंग्स है, उसका एक और ये एक्शन है कि उसको मसल को टेंशन भी देता है, आगे पीछे मुड़ के थोड़ा इंक्लाइन, देखो ऐसे। अभी जैसे वो आगे मुड़ेगा, स्वर पेटी खींचेगी, मसल्स खींचेंगे, टेंशन बढ़ेगा, थोड़ी सी और ऊपर जाएगी, ठीक है। सो ये 3 चीजें हुई जिससे अपनी आवाज कंट्रोल होती है, ब्रेथ अंदर से, वाइब्रेशन स्वर पेटी का, और टेंशन स्वर पेटी। ये तीनों में से कुछ भी प्रॉब्लम हुआ तो हमारी आवाज बिगड़ सकती है, ठीक है। नॉर्मल सर्कमस्टेंसेस में देखे, जैसे मैंने एनिमेशन दिखाया, नॉर्मल सर्कमस्टेंसेस में देखे तो कैसा दिखता है, ये आवाज जैसे खुलती है, बंद होती है, ये अपनी स्वर पेटी अंदर बाहर, ये अपनी स्वर पेटी खुल बंद हो रही है। अब ये टेंशन बढ़ाएंगे, सेम आवाज है, आपने देखा इसकी लेंथ बढ़ गई, ये आगे पीछे की लेंथ बढ़ गई, हमने जानबूझ के लेंथ बढ़ा दी, तो आवाज चेंज हो गई। वापस वो बोल करेगा और ऊपर, इससे आप समझ, ये मैकेनिज्म है, जैसे आप वापस नीचे लो, सेम लो। जैसे जैसे आवाज की वॉल्यूम ये बढ़ती है, पिच आपकी लेंथ बढ़ती है, तो एयर फ्लो की वजह से आवाज बिगड़ सकती है, स्वर पेटी के वाइब्रेशन की वजह से आवाज बिगड़ सकती है, और टेंशन की वजह से, जो टेंशन में चेंज है उससे। ये 3 चीजें बस बेसिक। अब ये 3 में से क्या प्रॉब्लम है वो जानना जरूरी है, दैट्स ऑल, ज्यादा कुछ मुश्किल नहीं है। लेकिन प्रॉब्लम ये है कि स्वर पेटी की जो वाइब्रेशन होती है तकरीबन 150 हर्ट्ज एवरेज होती है, 150 हर्ट्ज मतलब 150 टाइम्स इन 1 सेकंड वाइब्रेशन होती है, वो आंखों से देखना ऑलमोस्ट इम्पॉसिबल है। तो उसके लिए स्पेशल मशीन आते हैं जिसको बोलते हैं स्ट्रोबोस्कोपी, तो उसका फाइनर वाइब्रेशन देखने के लिए। वो इंटरप्टेड, जैसे डिस्को में जाते हैं इंटरप्टेड लाइट नहीं चलती, वो चालू बंद होती है, तो वैसे टाइप की लाइट चलती है जैसे, और एक माइक्रोफोन रहता है जो आपकी वॉइस को पकड़ता है,
तो क्या फ्रीक्वेंसी कैलकुलेट करके उस फ्रीक्वेंसी में लाइट देता है, तो वो स्लो मोशन में आपको दिखता है, तब आपको वो वाइब्रेशन दिखती है। तो ये इस टाइप का मशीन आता है स्ट्रोबोस्कोप, जिससे हम जनरली देखते हैं, एनालाइज करते हैं क्या प्रॉब्लम है, वो देख के फिर ट्रीटमेंट। तो अभी मैं सिर्फ आपको थोड़े बहुत वीडियोज दिखाऊंगा कि क्या क्या प्रॉब्लम में सर बेटी में हो सकते हैं और उसका क्या क्या इलाज करना जरूरी है। हर एक चीज दवाई से ठीक नहीं हो पाती, हर एक चीज के लिए सर्जरी जरूरी है, और हर एक चीज आप बोलो भी कि सर्जरी कर दो और ठीक कर दो तो पॉसिबल नहीं है। हर एक चीज आपके कोऑपरेशन की भी जरूरत रहती है। आधी प्रॉब्लम जो वॉइस की है वो खुद पैदा की हुई होती है, खुद को चेंज करना पड़ता है, ना दवाइयों से ठीक होगी ना सर्जरी से ठीक होगी। अभी ये कॉमन हाउस वाइफ है, आवाज सुन लो उसका, दो बच्चे हैं घर में छोटे, ये वन ऑफ द कॉमनेस्ट कंडीशन है। ये तो हाउसवाइफ, ये पर्टिकुलर पर्सन हाउसवाइफ है, लेकिन अभी ये उसका वीडियो आप देखें, जैसे पहले दिखा है ये स्वर पेटिया है उसकी। अब यहाँ पर आपको ये दो सूजनें दिख रही है, ये जो दो सूजनें दिख रही है सर्वपेटी के ऊपर, इसको हम बोलते हैं वोकल कॉर्ड नोड्यूल्स। अब देखो ये बोलती हैं तब क्या होता है, जब आवाज निकालती हैं, ये जहां दोनों मिलती है एग्जैक्टली उसी जगह पर ये सूजनें हुई है, मतलब ये जितनी बार वो टकराती हैं एक दूसरे से उसी जगह पर ये देखना। जो लोग ज्यादा बोल, जिनका पेशा है ज्यादा बोलना, ज्यादा जोर से बोलना, तो स्वर पेटी के ऊपर प्रेशर ज्यादा आता है, ज्यादा टकराती है, ज्यादा टकराने की वजह से उस जगह के ऊपर प्रॉब्लम आती है और ये मसे बन जाते हैं। आपके जो वर्कर्स हैं जो ज्यादा काम करते हैं उनके हाथ पे भी एक जाती ये बन, उसी टाइप का ये है। तो टीचर्स इसको सिंगर नोड्यूल्स बोलते हैं, एक्चुअली सिंगर्स नोड्यूल्स बोलते हैं अंग्रेजी में, सिंगर्स जो ज्यादा वॉइस का यूज करते हैं, तो जहां टकराने की वजह से होता है उसको अवॉइड करने के लिए आप समझे कि ये बेसिकली मसल है, स्नायु है। किसी भी चीज को आप, कोई भी मसल को ज्यादा इस्तेमाल करना है तो उसके लिए आपको ट्रेनिंग करना पड़ेगा। आप कल बोलेंगे मैं 15 किलोमीटर आज दौड़ के आता हूं, सुबह उठ के आज संडे है चलो मैं दौड़ के आया, इम्पॉसिबल है। या कर भी लेंगे तो आपके पैर जवाब दे जाएंगे कि भाई आपकी आदत नहीं, तो वो करने के लिए आपको उसके लिए ट्रेनिंग करनी पड़ेगी। आप रेगुलर ट्रेन करेंगे, चलो आप रेगुलर दौड़ने वाले हो मैराथन, तो मैं रोज 5-6 महीने ट्रेन करूं तब जाके करेंगे। सिंगर्स भी सीधे जाके स्टेज पे नहीं गाते, रोज 1-2 घंटा प्रैक्टिस करते हैं, रियाज करते हैं कि अपने मसल्स को बिल्डअप करें। तो ये सब चीजें इन लोगों में होती है जिनको बोलना ज्यादा होता है या वॉइस ज्यादा यूज करते हैं और आदत नहीं है यूज करने की। तो ये अवॉइड करने के लिए या तो उनकी प्रैक्टिस करो, और ये चीज दवाइयों से ठीक नहीं होगी या ऑपरेशन से ठीक नहीं होगी। ये समझाना पेशेंट को मुश्किल है कि आपको ठीक करना पड़ेगा, मैं कुछ नहीं कर पाऊंगा, लेकिन वो मानने को तैयार नहीं है। अरे मुझे ठीक कर दो, दवाई कोई भी दवाई दे दो, पैसे का, पैसे की चिंता नहीं है, लेकिन हर एक चीज पैसे से नहीं होती है। तो थोड़ा समझना भी जरूरी है कि और मैं ये समझता हूँ आप सबको सिर्फ एक चीज कहना चाहूंगा, बीमार आप हो जाओ, आपको क्या बीमारी हुई है वो समझने की जिम्मेदारी तो आपकी कम से कम होती है। डॉक्टर समझाएगा, लेकिन आपको भी खुद को समझना जरूरी है कि क्या बीमारी। दूसरी, अभी एक दूसरे कंडीशन पे आते हैं, एक्सट्रीमली हॉर्स वॉइस है, ये सेम टाइप ऑफ कंडीशन है, लेकिन ये थोड़ा एडवांस स्टेज है, उसको थोड़ा जैसे मैडम ने एलपीआर दिखाया, एसिडिटी भी है इसे पीछे के अंदर, सॉरी उसको एसिडिटी भी है थोड़ी सी ये पेशेंट को, और वो नोड्यूल्स ही थे उसको गलत स्लाइड आ गई, सॉरी वेरी गुड, डजंट मैटर, उसको ये टाइप का सेम आगे का नोड्यूल्स है, लेकिन इसको केराटोटिक नोड्यूल्स हो गए, तो ये तो निकालना ही पड़ेगा। मतलब आप देख रहे हैं कि इसको, ये दूसरा पेशेंट है, ये व्हाइट कलर का है, दिखने में भी ठीक नहीं लग रहा है, लेकिन आप देख के ही लगता है कि नहीं ये तो सही नहीं है, तो ये तो निकालना पड़ेगा, लेकिन है वो नोड्यूल, शुरुआत उसी से हुई है, लेकिन साथ साथ में ये पेशेंट को और आगे भी प्रॉब्लम है, तो केराटोटिक नोड्यूल्स हो गया। दूसरा होता है ये, अब ये जो है, ये कभी भी कोई भी दवाई से जाने वाला नहीं है। आप देख रहे हैं सर, ब्लड एक टाइप का मसा भी, हम हर एक चीज को मसा ही बोलते हैं, पेशेंट लोग क्या है मसा, लेकिन मसा नहीं, इसको पॉलिप बोलेंगे या हेमरेजिक सिस्ट बोलेंगे, लेकिन आपके एक समझने से लेके एक साइड के ऊपर है। आप ये समझिए कि स्वर पेटी के ऊपर कोई भी चीज आ रही है,
उसको वाइब्रेशन में उसमें प्रॉब्लम होने ही वाला है, उसको अड़चन तो आएगी। अब जैसे मैंने पता है कि तीन चीजें उससे हो सकता है, एयर फ्लो या वाइब्रेशन। अब स्वर पेटी के ऊपर कोई भी चीज है तो स्वर पेटी को वाइब्रेट करने से अड़चन तो पड़ने वाली है, तो आवाज आपकी चेंज होने वाली है। और जब तक ये जाएगा नहीं तब तक आवाज आपकी ठीक होने वाली नहीं, और ये दवाई से ठीक होने वाला है। सेम सिमिलर, अब अभी ये स्पेशल आपको लगेगा सब एक जैसे हैं, लेकिन बेसिकली एक जैसे है नहीं। अभी ये जो है ये इसको हम बोलेंगे सिस्ट है। ये जो एक साबुदाना जैसे दिख रहा है ना अंदर एक छोटा सा, उसके अंदर फ्लूइड रहता है। अभी ये पेशेंटों में एक टिपिकल चीज होती है कि इसके अंदर फ्लूइड रहता है, पानी रहता है, कई बार ये फूट जाएगा तो आवाज खुल जाएगा अपने आप। तो पेशेंट बोलेगा ठीक है, हम इसको बोलेंगे कि इसको तो निकलवा दो, क्योंकि ये निकलवा लेने के बगैर ठीक होने वाला नहीं है। पेशेंट सोचता है 15-20 करवाएंगे तो 15-20 दिन में शायद ये फूट भी गया, ठीक भी हो गया। तो बोले देखो डॉक्टर ने डरा दिया, ऑपरेशन का बोल दिया था, ठीक नहीं होने वाला, मैं तो ठीक हो गया। लेकिन ये फूट जाने से ये वापस ही होने वाला, ये पूरी की पूरी उसकी जो सैक होती है आपको दिख रहा है पूरा ऐसा व्हाइट कलर का, इसका पूरा कंप्लीटली एक राउंड साबुदाना है, वो कंप्लीट पूरा जब तक नहीं निकलेगा वो कभी ठीक नहीं हो रहा। चाहे फूट गया, पानी निकल गया, बैठ गया, ठीक है, वो वापस भरने वाला है आज नहीं तो 6 महीने बाद। तो समटाइम्स ये देख, सो वॉइस के लिए एक चीज आप वेरी क्लियर रहे, डॉक्टर को भी वॉइस के लिए ऑपरेट करना थोड़ा डर लगता है, उसको वॉइस बिगाड़नी नहीं है आपकी। मैंने इसे कहा कि ये वॉइस आपकी पहचान है, आप कुछ भी गलत करोगे तो आपकी वॉइस परमानेंटली बिगड़ने वाली है। तो जहां तक हो सकेगा वो तो उसको कंजर्वेटिवली ही ट्रीट करेगा, और जो चीज नहीं होने वाली वो नहीं होने वाली है, ठीक। और बेसिकली ये तो कैसे करते हैं सर्जरी, ये जस्ट एक ब्रीफ है, एंडोस्कोपी से करते हैं, अंदर दूरबीन से डाला है, टाके वाके तो आते नहीं है, पूरा एंडोस्कोप से होता है, लेजर से भी होता है। जस्ट एक क्विक रन डाउन, कई बार बड़े बड़े भी लीजन आते हैं, ये दिखता बहुत बड़ा है लेकिन ऑब्वियसली ये तो कैंसर जैसा नहीं, लेकिन ऑब्वियसली ये तो निकालना ही पड़ेगा, कभी ठीक होने वाला नहीं है। अब इनको देखिए, इनका आवाज देखिए, बहुत ही ज्यादा खराब। आप तो सोचोगे मतलब अंदर स्वर पेटी में तो क्या से क्या होगा, मतलब इतना मतलब इतने खराब खराब स्लाइड दिखाई आगे की, उसके हिसाब से तो इनका तो बहुत ही खराब होगा। तो वैसे देखो तो इनकी स्वर पेटी तो एकदम नॉर्मल है, मतलब थोड़ी सी सूजन है लेकिन उसके अलावा और कुछ, ये देखो दोनों बाजू रिलेटिवली नॉर्मल है, थोड़ी सी ये है। प्रॉब्लम क्या है, इनको टेंशन वाला देखो, ये बोलते वक्त ये ऊपर का जो है वो बहुत ज्यादा स्क्वीज कर रहे हैं, वो जो नॉर्मली नहीं होता। जैसे मैंने कहा ना कि तीन चीजें टेंशन की, मसल टेंशन जब आप चेंज करते हो उससे भी आवाज में आपका फर्क पड़ता है। तो ये प्रॉब्लम इनकी खुद की हुई प्रॉब्लम है, बोलते वक्त बहुत ज्यादा ये टाइट होके वो बोलती है, तो धीरे धीरे उनकी आदत ही पड़ गई इस तरह से बोलने की, तो आवाज जैसे जैसे आपका कोई गला दबा रहा हो वैसे आवाज निकलती है। देखो ये और सो ये चीजें तो स्पीच थेरेपी से ही ठीक होगी, मतलब। और ये चीज हम जब तक पेशेंट को खुद नहीं दिखाएंगे वो खुद नहीं समझ पाएंगे कि ये क्यों हो रहा है। हम बोल देंगे जाके स्पीच थेरेपी करवा लो, बोले कि अंदर मुझे प्रॉब्लम, तो उनको खुद को देखना जरूरी है कि नॉर्मल कैसा दिखता है और ये खुद कैसे बोलती है, तब जाके ये ठीक होगा। सो तीन चीजें, एक और जिसमें कॉमन चीजें होती है कि एक बार स्वर पेटी का पर्दा काम नहीं करता है उसके लिए भी सर्जरी आती है, और टीबी जहाँ पे अपने यहाँ पर होता है उन लोगों में भी ये चीजें होनी कॉमन है। इट्स ओके, ये भी चलेगा। और सबसे खराब चीज जो अपने सबसे ज्यादा डर लगता है कैंसर होता है, स्वर पेटी का कैंसर है, तो ये तो उसका प्रॉपर ट्रीटमेंट कराना पड़ेगा। लेकिन अवेयरनेस होनी चाहिए,
अपना आवाज बैठा है, डॉक्टर को एक बार दिखा दे, घर पे दवाइयां करते, हल्दी का दूध पीते हैं, जो भी सही है, गलत नहीं है, लेकिन किस वक्त कब तक करना चाहिए वो ज्यादा जानना जरूरी है, कितना जल्दी डॉक्टर के पास जाना है वो जरूरी है। अगर 4-5 दिन से ज्यादा आपकी आवाज बंद है तो डॉक्टर के पास डेफिनेटली जाके एक बार दिखा तो आइए। और स्मोकर से टोबैको वाले, वो तो कभी भी आवाज बंद हो तो तुरंत ही पहले जाके दिखा लेना चाहिए, 1-2 दिन भी मैं तो नहीं कहूंगा कि आप वेट कीजिए, ठीक है। तो और दूसरी बात, अगर नॉर्मल भी है, मतलब कोई बड़ी बीमारी नहीं है लेकिन वॉइस में कोई प्रॉब्लम है, लेकिन जितना आप उसको डिले करेंगे वो उसका वॉइस आपका नॉर्मल आने में उतनी देर लगेगी। जैसे मैंने आगे मसे दिखाए या जो भी किया, ऑपरेशन करके नेक्स्ट डे से वो नॉर्मल नहीं हो जाने वाले, जैसे जैसे वो मसा वहां रहता है तो स्वर पेटी को उस चीज की आदत पड़ जाती है, तो उसमें से नॉर्मल आने के लिए उतना ज्यादा एक्स्ट्रा टाइम लगता है। अगर हफ्ते के अंदर निकलवा दोगे तो जल्दी नॉर्मलाइज हो जाएगा, 3 महीने तक आप वेट करोगे तो उसकी रिकवरी टाइम भी अब 1-1.5 महीना और लग जाएगा। सो डॉक्टर को दिखाना जरूरी है, 4-5 दिन तो मैक्सिमम हो गए, हल्दी दूध वो सब बहुत हो गया 4-5 दिन, उससे ज्यादा फिर तो डॉक्टर को दिखाई दे। और अच्छा, वॉइस मेंटेन करने के लिए क्या है, तो हाइड्रेशन बहुत ज्यादा जरूरी है, पानी खूब पिए, जैसे मैंने कहा प्रोफेशनल्स हैं तो रोज की वॉइस एक्सरसाइज कीजिए, आपको अगर ज्यादा बोलना होता है, सेल्स में हैं, टीचर हैं, तो रोज एक्सरसाइज कीजिए तो ये ज्यादा बिगड़े नहीं। ऑफकोर्स स्मोक, टबैको, वो सब चीजों से बढ़ने वाला है, जैसे मैडम ने कहा LPR, एसिडिटी, वो सब चीजें अवॉइड करें, या है तो उसकी ट्रीटमेंट लें, तो ये सब चीजें ठीक रह सकती है। अभी विल मूव ऑन टू द नेक्स्ट पार्ट, ईयर के बारे में थोड़ा बताएं। अभी बेसिकली कान जो है हमारे दो स्पेशल सेंसेस, 5 सेंसेस होते हैं सब पर मालूम है, टच, स्मेल, टेस्ट, बैलेंस। सो कान के अंदर 2 स्पेशल सेंसेस है, अपना हियरिंग एंड बैलेंस। सो अपने बॉडी का बहुत इंपॉर्टेंट ऑर्गन है और कमाल की कंस्ट्रक्शन है ईयर की, अगर आप जानेंगे तो मतलब समझने लायक है, तो इम्पोर्टेंट चीज रहती है। और बेसिकली कान में 3 प्रॉब्लम होते हैं लोगों को, दर्द होता है, कान बहता है और सुनना कम रहता है, मेजोरिटी ये कैटेगरी में ये 3 प्रॉब्लम्स आ जाती है, तो बाकी सब छोटी मोटी चीजें आती है, लेकिन ये सब ज्यादातर मेन प्रॉब्लम्स ये रहती है। अभी दर्द के लिए क्या क्या मोस्ट कॉमन कॉज, तो अपना वैक्स हो गया, कान के अंदर मैल है तो मैल साफ किया या तो अंदर। अभी सबसे ज्यादा ये एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, वो लोग कॉटन बड ले लेके कान साफ करते रहते हैं। अभी आप ये सोचिए कि ये आपके कान के अंदर ये कान के अंदर ये वैक्स भरा हुआ है, यहां पर वैक्स है, अब कॉटन बड आप ये यहां पर डालोगे वो बाहर निकलने वाला है या और अंदर पुश हो जाएगा, बाहर निकालना बहुत ही मुश्किल है, मतलब कॉटन बड से तो कभी भी नहीं निकलेगा, तो मेहरबानी करके कॉटन बड तो ना इस्तेमाल कीजिए। जब तक आप कान साफ नहीं करोगे 99% कान में कुछ होने वाला नहीं है, कान में वैक्स डेवलप भी नहीं होगा। मेनली वैक्स जब इकट्ठा होता है जब उसका आप अंदर पुश कर देते हैं और फिर वो वहीं के वहीं रहेगा, फिर वो कहीं नहीं जाने वाला, और उसके ऊपर वो उसके परत के ऊपर एक परत के ऊपर दूसरी परत बनती जाएगी और फिर बनेगा, ठीक है। तो मेनली सबसे पहले तो कुछ भी मत करो, सब पूछते भी हैं कि भाई कान साफ कैसे करें, पर कुछ करने की जरूरत नहीं है, कान वैसे कान भगवान ने बनाया ऐसा है कि उसका कंस्ट्रक्शन, अगर उसने नहीं सोचा होगा कि भाई कुछ करना है साफ करने के लिए, नहीं करना पड़ता, जस्ट उसको ऐसे ही छोड़ दो, सभी सही रहेगा। सो उससे ऑफकोर्स कॉमनेस्ट कॉज वैक्स है कान में पेन होने की वजह से, तो आके साफ करवा लीजिए, डॉक्टर को दिखा लीजिए, दवाई ले लीजिए जो भी। हाँ, दूसरी चीज अपने फंगस, दूसरा कॉमन, सूरत में खास ह्यूमिडिटी रहती है, फंगस जिसको फूक बोलते हैं खाने पे लग जाती है, सब जगह पे लग जाती है, तो और सूरत में ह्यूमिडिटी होने की वजह से कॉमन इश्यू है। अपने यहां एक दूसरी गलती जो ज्यादातर लोग करते हैं कि कान में दर्द हुआ तो उसको ट्रीट करें खुद या केमिस्ट के पास जाके, प्रॉब्लम ये है आज आपको दर्द हो रहा है, आपका प्रॉब्लम दर्द है, नाक के अंदर कान के अंदर क्या हुआ है वो जानना जरूरी नहीं है, आज आपको रात में एकदम दर्द हो गया, आपको दर्द कम करना जरूरी है, ट्रीटमेंट तो कल आप डॉक्टर के पास जाके भी ले सकते हैं। तो कुछ भी दर्द हो पहले पेन किलर दे दो, नाक के कान के अंदर कोई ड्रॉप्स डालो या तेल डालो या लहसुन का तेल डालो और वो डालो, वो सब चीजों से और बिगड़ने वाला है।
अब ये फंगस हो गया है कान के अंदर, अपने यहाँ आदत है लोगों को गर्म तेल डालने की या जो भी कर, इससे तो ये फंगस तो डबल हो जाएगा कल सुबह तक इमीडिएटली। तो मेहरबानी करके कोई भी ड्रॉप्स या कुछ भी चीज मत डालिए कान के अंदर, डॉक्टर को जाकर दिखा दीजिए। आपकी इमरजेंसी क्या है, पेन है ना, तो पेन किलर ले लीजिए, आपका दर्द तो ठीक हो जाएगा। कल आके फिर जाकर डॉक्टर से ट्रीटमेंट खुद मत कीजिए, ट्रीटमेंट डॉक्टर को करने दीजिए, आप इमरजेंसी डाल लीजिए। सो मेन चीज कान में कभी भी कुछ नहीं डालिए, और तेल तो कभी भी नहीं, तेल डालने से कान में कोई चीजें ठीक नहीं होती है, वर्षों से लोग कहते हैं, लेकिन वो गलत है, मेरे को कहने में कोई ये नहीं लग रहा है, कभी भी नहीं तेल लगाना। और दूसरे कान में कभी कवर नहीं करना है, कान खुला छोड़ देना है, कान में लोगों को ये कॉटन डाले ये डाले, नेवर, कान खुला ही छोड़ना है, हवा जानी बहुत जरूरी है, तभी कान अच्छे से फंक्शन कर सकता है, रुई वुई डालने का कोई नॉनसेंस, कोई जगह ही नहीं है इस चीज में, ठीक है। तीसरी चीज, जैसे मैडम ने आगे कहा, पेन कान के पर्दे के पीछे इन्फेक्शन, जिसका सर्दी होती है बच्चों में, वो यूस्टेशियन ट्यूब में से कान के पर्दे की वजह सर्दी जम जाती है, पर्दा फूल जाता है, इन्फेक्शन हो जाता है, तो कान दर्द होने लगता है, फिर धीरे धीरे कान पर्दा फूलता है, फिर फूट जाता है, पस निकल जाता है, दर्द कम हो जाता है। पर सो ये कॉमन कंडीशन है पेन की, ये तीन मेन कॉमन कंडीशन है। बच्चों में ये एक्यूट ओटाइटिस मीडिया जब होता है तो उसके अदर कॉम्प्लिकेशंस भी रहते हैं, बाहर पस हो जाता है, दिमाग में पस हो जाने के चांसेस है, वो सब पॉसिबिलिटीज है, लेकिन ये सब चीजें उसकी वजह से हो सकती है। दूसरी, बच्चों में कई बार इन्फेक्शन नहीं होता है, खाली सर्दी, जैसे आपको सर्दी जम जाती है तब कभी कभी कान बंद हो जाता है ना आपका, आपको लगता है कान बंद है तो वो सर्दी कान के पीछे जम जाती है। बच्चों में ये कई बार ये परमानेंट प्रॉब्लम रह जाता है, मतलब यंग बच्चों में ध्यान नहीं आता है, 2-3 साल का बच्चा है, कॉन्स्टेंट सर्दी रहती है, कान में सर्दी भरी पड़ी रहती है, तो ऐसे ही सर्दी भरी रहती है, तो वो बच्चों को सुनने का प्रॉब्लम होता है, पेन कभी नहीं होता, हियरिंग प्रॉब्लम रहता है, 20-30% 40% जितना हियरिंग रहता है वो बच्चों को, 2-3 साल का बच्चा है, अभी तक बोलना शुरू नहीं किया है, या बोलना शुरू किया है तो बहुत ही ज्यादा बौखलाता है, वर्ड्स क्लियरली बोल नहीं पाता है, स्कूल में ठीक से ध्यान नहीं दे पाता है, या आप समझते हैं कि ये लड़का है तो स्मार्ट लेकिन स्कूल में परफॉर्म नहीं कर पा रहा है, मतलब ये सब चीजों से आपको पेरेंट्स को तुरंत ध्यान आना चाहिए कि इसमें मिडिल ईयर डिफ्यूजन होगा, उसको एडेनोइड्स और टॉन्सिल जैसे मैडम ने कहा कि कराना चाहिए, क्योंकि उसके कान के पर्दे के पीछे सर्दी परमानेंटली जमी पड़ी हुई है, और ये चीज रिवर्सिबल है, परमानेंट नहीं है, तो आप उसका कुछ कर सकते हैं, तो ये कर सकते, तो ये तुरंत जाके डॉक्टर को दिखा, ये सब चीजें आपके बच्चे में अगर आप देखें तो। अब जैसे मैंने कहा कान में छेद हो गया तो कान में भी बहना शुरू होता है, जैसे का पेन का खत्म हो गया, कान बहने की बात आ गई, एक बार ऐसा छेद पड़ गया शायद भर जाएगा अपने आप, वापस 2-3 महीने 4-6 महीने बाद हुआ वापस छेद हो गया वापस भर जाएगा, 2-3 बार ऐसे होगा फाइनल स्टेज आएगा कि ये कभी भी भरेगा नहीं, ये परमानेंटली छेद बन गया। अब छेद बन गया तो कान के कान बहना कभी भी हो सकता है, कभी भी जिंदगी में कभी हो सकता है, पूरी जिंदगी बह सकता है, ये एक बार बह के 6 महीने तक नहीं बहेगा, लेकिन ये कभी भी ठीक नहीं होगा, इसका तो ऑपरेशन ही आना है, बराबर। लोग पूछते हैं कि कभी छेद का है ऑपरेशन करें ना करें, कितना बड़ा है, बड़ा या छोटा होने से उसका ट्रीटमेंट चेंज होने वाला नहीं है, आपकी गाड़ी में अगर पंचर पड़ गया, अभी छोटा सा है या इतना बड़ा है, अभी हवा तो लीक होनी है तो उसको रिपेयर करवाने नहीं, फिर आप कराए ना कराए वो आपकी आपकी मर्जी है, लेकिन इस कंडीशन में आपको ऑपरेशन तो कराना होगा, करवाना कंपलसरी है, वो नेक्स्ट क्वेश्चन होगा। अभी कंपलसरी तो मैं डिसाइड नहीं कर, कंपलसरी तो मैं जब कहूंगा कि जब आपकी जान को खतरा है ना करवाने से, तब मैं कहूंगा भाई ये तो कंपलसरी है, वरना आपकी जान को खतरा है। मैं आपको समझा सकता हूं कि इसके पॉजिटिव पॉइंट्स क्या है, नेगेटिव पॉइंट्स क्या है, फिर आप समझता रहे, आप खुद डिसाइड करें कि आपके लिए क्या इंपॉर्टेंस क्या है। ये चीज कंपलसरी नहीं है, अगर आप चाह आप सोचते हैं कि मैं जिंदगी भर बहरा धीरे धीरे होता जाऊं, मेरा कान बहता रहे मुझे चलेगा, तो फाइन चलेगा कंपलसरी, लेकिन मैं ठीक नहीं कर पाऊंगा। लेकिन जिन लोगों में डायबिटीज या ये सब प्रॉब्लम होता है, इनमें ये प्रॉब्लम कई बार थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड हो जाता है, क्योंकि इनमें से इन्फेक्शन कभी हड्डियों में घुस सकता है, ये पॉसिबिलिटी रहती है, उनमें हम कहेंगे इंसिस्ट करेंगे भाई करवा लो भाई, थोड़ा कंपलसरी। कंपलसरी चीज ये है कि हड्डी में जब सड़न हो जाती है, आप देख रहे हैं कि यहाँ पर इधर का ऊपर की हड्डियां पूरी गल गई है और ये सड़न आगे आगे बढ़ रही है, जिसको कोलेस्टिनोमा कहते हैं, ये इसमें से भी कान में कान बहता है, लेकिन इनको कहेंगे तब कहेंगे कि साहब इतना तो नहीं बहता है, बहुत थोड़ा, इसमें तो कभी बहता नहीं है, बहुत थोड़ी थोड़ा बहता है, लेकिन बहुत स्मेल बहुत आती है, लेकिन बहता बहुत कम है,
लेकिन जब ये सड़न है तो वो तो निकालने, क्योंकि इससे क्या होता है, हड्डियां पूरी सड़ने लगती है, कान अपने दिमाग के नजदीक रहता है, दिमाग में इन्फेक्शन जाने का चांसेस बहुत रहता है, प्लस मुंह की नस अंदर से आते हैं, मुंह का इसकी वजह से कॉम्प्लिकेशंस होने के चांसेस बहुत ज्यादा है। अब बोलेंगे कि कब, कितने जल्दी करवाना चाहिए, कॉम्प्लिकेशंस कब होंगे वो नहीं बता पाएंगे, शायद जिंदगी भर भी ना हो सकता है कि 2 महीने के अंदर भी हो जाए, वो हम नहीं बता पाएंगे, लेकिन ये कंपल्सरी है, ऑपरेशन इसका करवाना जरूरी है। ऑफ कोर्स इसकी वजह से डेफनेस भी होता है, और कब कराएं, एज सून एज पॉसिबल। हम ये कहेंगे कि भाई आपको और कोई काम नहीं है तो पहले ये काम करवा दीजिए, प्रायोरिटी में और कुछ नहीं है तो सबसे पहले ये करवा दीजिए, दैट योर प्रायोरिटी। सुनने की बात, जैसे मैंने कहा कि बहुत ही फैसिनेटिंग है अपना ईयर, जानना जरूरी है कि सुन कैसा कंस्ट्रक्शन बना हुआ है। कान के अंदर जैसे ही जाते हैं तो सबसे पहले आगे पर्दा रहता है कान का, फिर जैसे आवाज अंदर जाती है कान का पर्दा अपना वाइब्रेट होता है, यह वाइब्रेट होके उसके पीछे की जो हड्डियां है वो हिलती है और वो हड्डियां अंदर के कान तक आवाज अपना पहुंचाती है। अब जैसे आवाज आती है कान के पीछे की ये 3 हड्डियां होती है वो भी वाइब्रेट करती है, ये मैकेनिकल पार्ट है, लेकिन जो कान का से ये मूवमेंट होगी और ये मूवमेंट से ये कान का आवाज अंदर तक पहुंचेगी, फिर जैसे जैसे अंदर पहुंचेगी उसके फिर इसके बाद जो है ये वाला पार्ट जो आ जाता है इसके अंदर फ्लूइड रहता है और ये पिस्टन की तरफ मूवमेंट करके वो अंदर के फ्लूइड को ले जाता है और वहां सब नसें लगी होती है जहां से वो आवाज पिकअप करती है और ब्रेन तक पहुंचाती है। ठीक है, तो यहां से वो आवाज पिकअप होता है और अपने ब्रेन तक वो आवाज पहुंचती है, जैसे मैंने कहा कि ये मूवमेंट होती है, यहां से आवाज पिकअप होके ये नसों के जरिए वो दिमाग तक पहुंच जाता है। अब यहां तक जो पार्ट है ये ब्लू दिखता है, वहां तक यहां से लेके ये ब्लू तक वो चीज हम हियरिंग इंप्रूव कर सकते हैं दवाइयों से या ऑपरेशन से कुछ भी, उसके आगे का जो है उसके लिए तो मशीन की जरूरत पड़ेगी। जब आप कहते हैं ना कि मशीन क्यों, सुनने का मशीन पहने हियरिंग एड पहने या दवाई से ठीक कर दो, दवाई से यहां तक ही उसको ठीक कर सकते हैं, दवाई से या ऑपरेशन से, उसके आगे में कोई प्रॉब्लम होगी वो चीज के लिए मशीन नहीं आएगा। तो कई लोगों को मशीन, कई लोगों को दवाई, तो बेसिकली हियरिंग टेस्ट पे से अंदाजा आएगा, ये आपका नॉर्मल हियरिंग टेस्ट दिख रहा है, इस तरफ का दिख रहा है कि ये इसके मुकाबले काफी नीचे है, तो डेफनेस तो है ये बंदे को। जैसे मैंने कहा कि अगर आगे से लेके यहां तक उसमें सभी चीज आ जाती है, कान के पर्दे में छेद हुआ, कान में वैक्स हुआ, आगे की जो सब कंडीशंस दिखाई वो सब चीज अपने रिकवर वो सब चीजों की वजह से डेफनेस जो आती है वो अपने ट्रीट कर सकते हैं ऑपरेशन से या दवाइयों से, और वो सब प्रॉब्लम की वजह। अब ये दोनों देखो, इसका हियरिंग और इसका हियरिंग सेम लेवल पे, बट ये दोनों लाइन के बीच में गैप दिख रहा है और ये दोनों लाइन एक साथ है, तो बेहतर रफ आइडिया दे रहा हूं कि जब ये गैप दिखे इसका मतलब आप हियरिंग इंप्रूव कर सकते हैं, जब गैप ना दिखे दैट उसका मतलब आपको मशीन की जरूरत है। सिंपल से कोई भी आप ऑडियोग्राम देखें, सो ये नस की बीमारी है उसको मशीन आएगा, ये सब चीजों के लिए ऑपरेशन या दवाइयों से उसको ठीक कर सकते हैं। बराबर, एक और मेन कंडीशन है जो ऑटोस्क्लेरोसिस, जिसके अंदर आपका हियरिंग बल्ब बिगड़ सकता है कि जब आपकी हड्डियां फिक्स हो जाती है, जो स्पेशली जो लास्ट हड्डी होती है कि मूवमेंट, जैसे मैं बोला मैकेनिकल पार्ट कि ड्रम मूव होता है, पीछे की हड्डियां मूव होती है और साउंड अंदर तक पहुंचता है, जब हड्डी चिपक जाती है तो वो नहीं हो सकता है। और आप देखें ये हड्डी की साइज इतनी छोटी है, ये रेफरेंस के लिए दिया है कि नाखून के ऊपर रखे इतनी छोटी एक गेहूं के दाने, ये गेहूं के बिना राइस के दाने जितना छोटा बोन होता है, उसकी एक सर्जरी भी होती है। अभी अगर चाहे तो मैं उसको क्विकली एक सर्जरी दिखा दूं कि उसको क्या किया जाता है, कि जैसे ही कान खोल के ये नीचे वाला आपको दिख रहा है कि ये वो बोन है, वो हम उसको फ्री कर रहे हैं और धीरे धीरे फ्री करके, और पूरे टाइम मैं आपको रेफरेंस में दिखा रहा हूं कि ये हड्डी कितनी छोटी है, हम इसको ड्रिल कर रहे हैं, उसके अंदर होल भी करेंगे और उसके अंदर पिस्टन भी डालेंगे उसका हियरिंग इंप्रूव करने के लिए। ये फिक्स हो गई थी,
नहीं मूव कर रही थी, आवाज अंदर नहीं जा रहा है, उसको निकाल रहे हैं, आउट। और फिर उसके ऊपर ये आर्टिफिशियल पिस्टल लगा देंगे और दैट विल रिस्टोर योर हियरिंग। और ये टाइप का डेफनेस जो होता है, ये आप टेक्सटाइल में जो लोग काम करते हैं, टेक्सटाइल में तो नहीं लेकिन जो लूम्स में काम करते हैं उनको ये नॉइज इंड्यूस, इसको बोलेंगे नॉइज इंड्यूस हियरिंग लॉस। ये टिपिकल टाइप का थोड़ी अवेयरनेस की जरूरत है, जहाँ ज्यादा आवाज होती है मशीनरी की ज्यादा आवाज होती है, कान का प्रोटेक्शन पहने, ये आपके वर्कर्स को भी आपको बताना आई थिंक इट इज गुड। ये टिपिकल टाइप का ग्राफ आता है वो उस टाइप में होता है। और ये जब टिपिकल ओल्ड एज में डेफनेस आती है लोगों को इस टाइप, तो उसमें तो मशीन आएगा और कुछ कर सकते हैं। एक खाली कंडीशन जो एक इमरजेंसी मेडिकल इमरजेंसी आती है ENT में, के आदमी सुबह उठता है और इमीडिएटली बोलता है कि एक कान में मेरा सुनने का बंद हो गया, एकदम टोटली डाउन हो गया होता है हियरिंग, ये एक इमरजेंसी है। जैसे कि हार्ट अटैक होता है या किसी को स्ट्रोक आ गया, उसकी ट्रीटमेंट इमीडिएटली स्टार्ट करनी जरूरी है। जितना जल्दी करेंगे जितना रिकवरी के चांसेस ज्यादा है, हम पेशेंट को एडवाइस करके एडमिट करके थोड़े इंजेक्शन देने होते हैं एक दो दिन के लिए, और जितना जल्दी स्टार्ट किया जाए उतना जल्दी इंप्रूवमेंट के चांसेस रहते हैं। टाइम जितना बिगड़ता है उतना रिकवरी के चांसेस विल बी अ लिटिल बिट लेस। एंड द लास्ट कंडीशन वर्टिगो, लोग आते हैं, हम लोग डील करते हैं वर्टिगो से, कान की वजह से वर्टिगो होता है, लोग वर्टिगो के मुझे वर्टिगो है, वर्टिगो बीमारी नहीं है। पहली बात एकदम क्लियर कर दूं कि वर्टिगो इज नॉट अ बीमारी। आप मुझे जैसे आपको बुखार आता है तो हर बार मलेरिया हो, ऐसा नहीं है। बुखार की कई वजह, मलेरिया है, टाइफाइड है, वायरल फीवर है, उसी तरह वर्टिगो एक सिम्टम है। मुझे चक्कर आता है उसका मतलब वर्टिगो है। वर्टिगो के 40-50 कारण हो सकते हैं, उसमें से कई कारण कान की वजह से भी होते हैं जिसके हम डीलिंग करते हैं, लेकिन सिर्फ कान वर्टिगो इटसेल्फ बीमारी नहीं है कि वर्टिगो है क्या मलेरिया ले लो, वर्टिगो हुआ ये दवाई ले लो, नहीं। वर्टिगो का क्या कॉज है वो ढूंढ के फिर उसका ट्रीटमेंट करना होगा। तो वो एक लंबा टॉपिक अपने आप है, उसके ऊपर मैं ज्यादा डिस्कस नहीं करूंगा, लेकिन वो भी हमें पार्टली रिकवर करना पड़ता है। दैट्स इट, अब उससे ज्यादा मेरे पास स्लाइड्स करते हैं। डॉक्टर आलोक जी, अब एक क्विक क्वेश्चन आंसर सेशन के लिए मैं फरीदा मैडम को बोलूंगा और आलोक जी को कि पब्लिक में से कॉमन क्वेश्चंस जो सबके लिए हेल्पफुल हो, ऐसे क्वेश्चन आंसर सेशन रहेगा सिर्फ 10 मिनट्स का क्वेश्चन आंसर सेशन। डॉक्टर फरीदा मैन, आप एक बच्चों होय मतलब ने नाकना व्यवस्थित राखो होय तब तक क्या क्या पगला भरी सके हैं, सो काजी राखी सके हैं। એનર્જીની સર્વિસથી કોઈથી બચાય નહીં, એનર્જી તમારા વારસામાં તમને મળી હોય, યુ રિમેમ્બર, યુ અન્ડરસ્ટેન્ડ, ઇટ ઇઝ અ ફેમિલિયર ડિસઓર્ડર, આપકે દાદા પરદાદા કિસી કો ભી યે એનર્જી હોતી હૈ, કઈ ફોર્મ્સ મેં એનર્જી હોતી હૈ, યા તો ઉનકો એસ્થમા હોતા હૈ, યા તો ઉનકો પેટ કી કોઈ બીમારી હોતી હૈ, યા ફિર ઉનકો એક્ઝીમા હોતા હૈ, યે સબ એનર્જી કે ભાઈ બહેન હૈ, પ્રકાર હૈ, યે આપ ઇનહેરિટ કરતે હૈ। तो एलर्जी के साथ आप बॉर्न होते हो, एलर्जी के साथ आप ऊपर जाते हो, तो इसमें डॉक्टर क्या करता है, डॉक्टर आपको एलर्जी से कैसे प्रिवेंट करना है वो सिखाता है। लेकिन कोई भी पैथी, एलोपैथी, होम्योपैथी या आयुर्वेदिक एलर्जी को क्योर नहीं कर सकता है, ये जानना और ये समझना बहुत जरूरी है। थोड़ा टाइम के लिए आपको बचा सकते हैं, अगर एलर्जी से आप मुक्त हो गए तो वो भी कोई डॉक्टर को श्रेय नहीं जाता है, वो आपके जीन्स को ही जाता है, क्योंकि आप ऐसे प्रोग्राम हुए होते हो कि उस टाइम को आपकी एलर्जी निकल जाती है, या उस टाइम आपकी एलर्जी एस्थमा में कन्वर्ट हो जाती है, या उस टाइम आपकी एलर्जी से आपको मसे होने लगते हैं। सो यू आर प्रोग्राम फॉर दैट, डॉक्टर कैन चेंज इट। तो इससे एलर्जी को मिटाने की बात आई तो इससे प्रिवेंशन थोड़ा बहुत हम लोग कर सकते हैं कि इसके अटैक्स थोड़े कम हो जाए। तो इसके लिए हम पोल्यूशन से बचें, अपने लंग्स को प्राणायाम से ठीक करें, बहुत ज़्यादा प्राणायाम करने से भी आपको एलर्जीज का सामना कर सके। विटामिन जैसे कि विटामिन B12 और विटामिन B3 उसकी मात्रा बहुत ज़्यादा अच्छे से रखें, और नाक में अगर किसी का ऑपरेशन हुआ है एलर्जी का
तो फिर उसमें नेती करना, जो पुराने जमाने से अपने अपने कल्चर में चल रही है, वो एक बहुत ही अच्छा ट्रीटमेंट है, जिससे आपको नाक धोना होता है और जितने भी पोल्यूटेंट्स इसमें गए हुए उसको निकाल देना होता है। तो इस तरीके से आप इसका केयर कर सकते हैं, बट यू कैन नॉट क्योर एलर्जी, देयर इज नो क्योर फॉर एलर्जी, यू कैन ओनली प्रिवेंट इट। अच्छा, और मैडम जो एक ट्रीटमेंट माटे तो मुझे पूछो, હવે જેવી રીતે બ્લડ પ્રેશર ડાયાબિટીસની ટ્રીટમેન્ટ છે, તમે લાઈફ લોંગ લેવી પડે છે, આપણે કોઈને એલર્જીવાળા પેશન્ટને કહીએ કે જિંદગી આખી જિંદગી ટ્રીટમેન્ટ લે તો કે એ નહીં લેશે, કેમ? એ એના જેવી જ બીમારી છે, તમારી લાઈફ આ રહેવાની જ છે, તમે મરો નહીં ત્યાં સુધી, દવા લેશો કે એના માટે ટ્રીટમેન્ટ લેશો તો કંટ્રોલ રહેશે, પણ નો ને લાઈફ ટાઈમ માટે, કેમ નહીં? જો હાર્ટ નહીં હશે તો તરત લઈ જશે, કારણ કે એટલો મરી પડવાનો છે। એલર્જી ના પ્રોબ્લેમ્સ તમને લોંગ ટર્મ ઓલ્ડ એજ માં, તમને જો બરાબર નહીં ટ્રીટમેન્ટ કરી હશે તો ઓલ્ડ એજ માં તમને હેરાન કરશે। અત્યારથી જો તમે રેગ્યુલર ટ્રીટમેન્ટ બધાને લેવાની નથી કેતો, પણ જો તમને સિવિયર એલર્જી રહેતી હોય તો રોજ ટ્રીટમેન્ટ લો ને, લાઈફ ટાઈમ માટે લો, તો શું ખોટું છે? બાકી બધી બીમારીઓ માટે તો લેશો જ ને, તો આ બી એવી જ બીમારી છે, તો લેવામાં કંઈ ખોટું નથી। અચ્છા સર, અને નાકને બ્લોકેજ થી બચાવવું હોય એટલે ખુલ્લું રાખવું હોય આમ, તો શું કરવું જોઈએ? જે રીતના કે નઝલ ડ્રેઇન કરીએ, આપણે નાક વોશ કરીએ છીએ બરાબર, એલર્જીના લીધે નાક બંધ થતું હોય, જો નાક બંધ થવાના ઘણા કારણ, એક નાકની હાડકી વાકી હોય, મસા હોય, ગમે તે હોય શકે, પણ જે લોકોને એલર્જીના લીધે નાક બંધ રહેતું હોય તો એ લોકો એલર્જીથી બચે તો નાક ખુલ્લું જ રહેશે બરાબર, એલર્જીથી બચે, કાં તો એલર્જીની રેગ્યુલર ટ્રીટમેન્ટ લેતા હોય ને એલર્જી કંટ્રોલમાં રાખતા હશે તો નાક બંધ નહીં થશે, એ સિમ્પલ બરાબર। नमस्ते डॉक्टर फरीदा, ये जैसे न्यू बॉर्न बेबीज है उसका रात को नाक बंद हो जाता है, एक महीने का डेढ़ महीने का बेबीज, तो क्या करना चाहिए उन्हें? उसे सिर्फ सलाइन ड्रॉप्स डालते हैं, तो नॉर्मल सलाइन आता है, उसके ड्रॉप्स मिलते हैं, वही नॉर्मल सलाइन ड्रॉप्स डालो, उसका जो सर का भाग है उसका ऊपर रखो, कीप हिम इन अ टिल्टेड पोजीशन, एंड डॉक्टर से पूछो कि क्यों उसका बार बार नाक बंद हो जाता है, या तो उसे एलर्जी है, या फिर आप फीडिंग के टाइम उसके नाक में साइनसिस में दूध जाता है वो देखना है, तो छोटी छोटी चीज की केयर लेने से ये निकल जाते हैं। डॉक्टर साहब, ये जो आजकल हमारे यहाँ भजन संध्या है और ये इतने, जैसे अभी आपने टेक्सटाइल का बताया, तो इसमें इतनी आवाज होती है, और जब भजन संध्या होते हैं उसमें वॉल्यूम इतना तेज हो जाता है और लोग बाग जाते भी हैं, तो उसके लिए क्या प्रिकॉशंस लेना चाहिए कि, और क्या क्या उससे? लाउड स्पीकर के बगैर भजन करो, भगवान को किसी भी तरीके से खुश रहेंगे, मतलब आप भजन, मैं वही कह रहा हूँ कि लाउड स्पीकर क्या 110%, मतलब ये जो लाउड स्पीकरों की वजह से जो आवाज निकलती है, डीजे चलते हैं, गरबे चलते हैं, आवाज नॉइस पोल्यूशन से तो हियरिंग कम होनी है, मतलब वो तो गारंटीड है, मतलब उसका तो कोई उसमें दो राय नहीं है, कि उसमें कोई डाउट भी नहीं है। अभी इसको हुआ और मुझे नहीं हुआ, वो हर एक की बॉडी की प्रकृति से अलग है, लेकिन जब हम उनका हियरिंग टेस्ट करते हैं, हम गारंटीड कह सकते हैं इसको हियरिंग, मतलब नॉइस की वजह से ही हुआ है उसको ये डेफनेस, और किसी वजह से नहीं हुआ। एक क्वेश्चन और मेरा रहेगा, सॉरी बीच में, डॉक्टर साहब ये जो नॉइस पॉल्यूशन डीजे और जो लाउड म्यूजिक है, सो व्हाट इज योर कैलकुलेशन एक्सपेक्टेशंस फॉर फ्यूचर जनरेशन, जो यंगस्टर्स को क्या फ्यूचर में क्या बीमारी आ सकती है? हाँ, और मोबाइल में इसका तो जरूर है, नॉइस पॉल्यूशन से ईयर का डायरेक्ट तो डेफनेस तो डेफिनेटली है, नॉइस पॉल्यूशन से साइकोलॉजिकल इफेक्ट भी काफी रहता है, पीपल बिकम अ लॉट ऑफ डिप्रेशन, नॉट डिप्रेस तो नहीं, लेकिन योर थिंकिंग बिकम्स स्लाइटली डिफरेंट, ये आप कुछ भी कह लो, इतनी जोर की आवाज सूदिंग पर नहीं लगती ना, कभी भी सूदिंग, मेंटली सूदिंग तो कभी भी नहीं लगने वाली, तो ये तुम्हारा दिमाग कॉन्स्टेंटली तुम्हारा इरिटेबल स्टेट में रहता है, एक्साइटेड स्टेट में रहता है, ज्यादा प्रॉब्लम आएगी, व्हाट्स योर डेफिनेटली कल्चर, और मोबाइल का यूजिंग, मोबाइल एक पॉइंट निकाला था मैं, बताओ जैसे ये आपका मोबाइल है, ये मोबाइल बेसिकली माइक्रोवेव ओवन है, ठीक है, तो आपका दिमाग, आपका सिर खोल के माइक्रोवेव ओवन में डाल के माइक्रोवेव चालू करो, उस टाइप का। दूसरा नहीं, आर मोस्ट इम्पोर्टेंट, कि जो माइक्रोवेव ओवन में रेडिएशन निकलते हैं, माइक्रोवेव रेडिएशन, ये सेम माइक्रोवेव रेडिएशन के अंदर से निकलते हैं, और
जितना आप कान के नजदीक रखोगे वो दिमाग को फ्लाई करता रहेगा प्रोडक्ट, और उसका इफेक्ट क्यूम्युलेटिव है। ऐसा नहीं है कि मैं 10-10 सेकंड में 10-10 सेकंड यूज करूं लेकिन मैं 10 बार यूज करूं, या 100 सेकंड में एक बार, वो सेम ही है। ऐसा नहीं है कि मैं 10 सेकंड यूज करूं और फिर बाद में एक घंटे के बाद वापस 10 सेकंड यूज करूं, 20 सेकंड हो गया या 20 सेकंड कंटिन्यूस, उसका इफेक्ट क्यूम्युलेटिव है, वो ऐड अप होता रहता है जितनी बार एक्सपोज होते हैं। थर्ड, जो आपको ही पढ़ता नहीं है, नए टेलीफोन के अंदर फोन अगर आप पढ़ेंगे लिटरेचर, उसमें ऐसे यार रेटिंग आता है कि फोन का एमिशन रेटिंग कितना अलाउड है, अलाउड एमिशन रेटिंग जो फोन के ऊपर लिखा रहता है, जो ऐसे यार रेटिंग अलाउ करते हैं मोबाइल फोन के ऊपर, विच इज परमिसेबल बाय यूरोपियन कंट्रीज, उनके नॉर्म्स होते हैं कि इतना माइक्रोवेव रेडिएशन अलाउड है फोन का, जो फोन का माइक्रोवेव रेडिएशन अलाउड है इट इज 50 टाइम्स दैट विच इज अलाउड फॉर अ माइक्रोवेव। अगर आपने माइक्रोवेव ओवन में से जो लीक हो रहा है माइक्रोवेव, वो पास नहीं होगा क्वालिटी कंट्रोल में से, जैसा मोबाइल फोन हो जाता है। आप समझे मेरी बात? सो स्टैंडर्ड्स ड्यूअल है, सो मोबाइल फोन तो मैं कहूंगा कि आप अवॉइड ही करें, नहीं अवॉइड कर नहीं सकते, यूज करना है, बॉडी से दूर रखें, ये पहने, मतलब कॉर्डेड ईयरफोन में, ब्लूटूथ भी उसकी बहन है। अभी आप आपका मेरा एक प्रश्न है सर, एक चीज कि जिसको माइग्रेन होता है उसके लिए सर के पास मोबाइल रख के सोना बहुत ही खतरनाक होता है, इट विल 100% गिव यू माइग्रेनस अटैक्स। तो अगर आप सो, और कितने भी आप व्यस्त आदमी हो, कितने भी बिजी हो, कितने भी पावरफुल आप बिजनेसमैन हो, नेवर कीप द मोबाइल नियर योर हेड, यू हैव टू कीप इट अवे फ्रॉम योर बॉडी। तो इससे दो चीज होती है, आपका बॉडी भी सेफ रहता है, और हर बार मोबाइल रिंग होता है उठ के उधर जाते हैं तो थोड़ी एक्सरसाइज भी हो जाती है। एक प्रश्न है, नाक के अंदर जो वॉल होती है, जो क्रॉस होती है वॉल, नोज के अंदर वॉल, नोज वॉल जो होती है हड्डी, वो क्रॉस होती है, तो आफ्टर सर्टन एज मतलब 50 के बाद तो उसकी क्या ट्रीटमेंट अवेलेबल होती है? क्रॉस नोज की वजह से क्या होता है, नाक बार बार बंद हो जाना होता है? नहीं, ये गलत चीज है। ये जो नाक की हड्डी होती है, डेविएटेड नेजल सेप्टम बोलते हैं, ये कभी बढ़ता नहीं है, ये या तो बर्थ से होता है या कोई इंजरी या एक्सीडेंट होता है उसमें होता है। इसकी सर्जरी करने के बाद भी ऐसी प्रचलित होता है कि भाई नाक की हड्डी का एक बार ऑपरेशन कराया फिर वापस बढ़ गई। नाक की हड्डी जो पार्टीशन होता है वो कभी बढ़ती नहीं है, वंस यू रिमूव इट इट इज गॉन। इफ योर सर्जरी इज नॉट करेक्ट तो वो डेविएटेड की डेविएटेड रहती है। अगर बुढ़ापे में अगर और यू आर बोर्न विद अ डेविएटेड नेजल सेप्टम, अगर एज के हिसाब से अगर इसमें प्रॉब्लम आने लगती है तो वो प्रॉब्लम हड्डी की वजह से नहीं है, वो प्रॉब्लम आपके मसल्स कमजोर होने लगते हैं, या आपको एलर्जी की शुरुआत होती है, या फिर सनाइड राइनोरिया जैसी बीमारियां लगती है, इसकी वजह से वो हड्डी फिर हमारे में ऐसा होता है। और इसके लिए डॉक्टर्स भी रिस्पॉन्सिबल होते हैं, जनरल प्रैक्टिशनर्स, जुकाम हो गया नाक देगा, हड्डी टेढ़ी इसलिए हो गया, हड्डी टेढ़ी इसलिए हो गया। पेशेंट भी आता है, हम उसको बोलते हैं ये ट्रीटमेंट करो, वो ट्रीटमेंट करो, वो एक ही पॉइंट के ऊपर चिपका हुआ, मेरी हड्डी टेढ़ी है। अगर हम 100 पेशेंट्स देखें तो उसमें से 80% की हड्डी टेढ़ी ही होती है। अगर हम सबका ऑपरेशन करें तो हाथ तो में मालामाल हो जाते हैं। तो इसमें टेढ़ी हड्डी का जो एक फोबिया है वो हमें निकालना है, उसको टेढ़ी रखने के बावजूद भी हम उसके बहुत सारे ट्रीटमेंट कर सकते हैं। जब हम साइनस की सर्जरी करते हैं तब उसको हम बीच में लाते हैं, क्यों लाते हैं, क्योंकि वो 4 मिलीमीटर वाला स्कोप उधर जाता नहीं है, इसलिए हम इसकी सर्जरी करते हैं। लेकिन पूरा का पूरा बीमारी का श्रेय वो बेचारी हड्डी को देना, ये गलत है। एक चीज बता दूं, आप मालामाल हो ही नहीं सकते हैं कि उस दिन अंजू ने ऑब्जर्व किया आपके आधे पेशेंट तो एफओसी होते हैं। हेलो सर, हेलो डॉक्टर सर, नाक के अंदर अक्सर फुल्ली होया करती है, फुल्ली होती है उसका कोई उपाय, रेमेडी इज देयर? अगेन डेफिनेटली देयर इज अ रेमेडी फॉर इट। यू नीड टू नो व्हाट इज द कॉज। मोस्ट कॉमन कॉज जैसे आपने कहा इज के खुजली होती है, तो एलर्जी की वजह से, और एलर्जी का था मैंने जवाब आपको दे दिया। वी डोंट हैव अ ट्रीटमेंट, इधर सिम्टोमेटिक ट्रीटमेंट है या लाइफ लॉन्ग ट्रीटमेंट। बराबर, जब एलर्जी होती है आपको फ्रीक्वेंट इनफ्रीक्वेंट एलर्जी नहीं होती। पॉलिप्स की बोल रहे हैं? हाँ हाँ, ओके।
पॉलिप अगेन वर्टिगो जैसा है, पॉलिप बीमारी नहीं है, नाक के अंदर मसे होना बीमारी नहीं है, वो एंड रिजल्ट है आपकी अनकंट्रोल्ड एलर्जी का। जब आपने एलर्जी का पूरा ध्यान नहीं दिया है, नाक का पूरा ध्यान नहीं दिया है, तो इवेंचुअली एंड स्टेज पे जाके वो मसे बन जाते हैं। अभी एक बार मसे बन गए हैं तो आप कितनी भी दवाइयां दो, क्योंकि नाक के अंदर दवाई जाने नहीं वाली, क्योंकि नाक मसे से भर गया, तो सबसे पहले सफाई करके वो सब मसे निकालने होंगे। वो ट्रीटमेंट की शुरुआत है। लोग समझते हैं ऑपरेशन करवा लिया, नो, दैट इज जस्ट द बिगिनिंग। मसे निकाल दिए, अब आप लाइफ टाइम के लिए नाक का केयर करो, एलर्जी का कंट्रोल करो, तो शायद मसे वापस नहीं आएंगे। अगर मसे हो ही गए हैं तो ऑपरेशन तो करवाना पड़ेगा ही। हाँ सर, शायद एक बार या दस बार आपके ऊपर में। हेलो सर। हेलो सर। हेलो सर, ये वर्टिगो प्रॉब्लम, वर्टिगो प्रॉब्लम नॉर्मली कितने दिन में ठीक हो जाता है सर? अगेन मैंने कहा, वर्टिगो बीमारी नहीं है, वर्टिगो इज अ सिम्टम। आप कल मुझे आके कहेंगे कि मुझे बुखार आया है, मैं कितने दिन में ठीक होऊंगा? अगर मैं कहूंगा आपको हेपेटाइटिस और जॉन्डिस हुआ है, तो आपको 3 हफ्ते लगेंगे। मलेरिया है, आपको 4 दिन लगेंगे। सो डिपेंड्स ऑन वर्टिगो किसकी वजह से है। वर्टिगो बीमारी नहीं है, वर्टिगो एक तरह की का सिम्टम है कि आज मुझे चक्कर आ रहे। किसकी वजह से आ रहे? अगर आपको कोई कोई सीएनएस प्रॉब्लम है, ब्रेन का कोई प्रॉब्लम है, तो लाइफ टाइम के लिए आएंगे, ठीक है। कान का कोई प्रॉब्लम है, क्या प्रॉब्लम है उसके ऊपर डिसाइड होगा कि कब कितने दिन में ठीक होगा। हाँ सर, खाना खाते वजह डायग्नोस करते हैं वजह, एक मिनट, इस वजह से। बहुत समय क्या होता है, खाना खाते टाइम नाक में से पानी पड़ता है, खाना खाते हैं तो नाक में से पानी निकलता है, कोई ज्यादा स्पाइसी भी आ गया, ऐसा आ गया तो नाक में से पानी गिरना शुरू होता है, तो किस कारण? इसको सनाइड ग्रैंडोरिया बोलते हैं, और ज्यादातर एज के हिसाब से होता है। ये आदमी की प्रकृति होती है, और इसकी वजह से उसको एक रिलीज फिनोमेना जैसा होता है। जैसे कई लोगों को खाने खाते वक्त बहुत पसीना आता है, सबको नहीं आता है, लेकिन थोड़ा सा भी स्पाइसी खाया पसीना आ जाता है। इसी तरह एक पसीना नाक से निकलता है, और इसको सनाइल ग्रैनोलिया बोलते हैं। ये थोड़ा एम्बेरसिंग चीज है, लेकिन ये कोई जानलेवा बीमारी नहीं है, ये बीमारी नहीं है, इट्स अ फिजियोलॉजिकल रिएक्शन। हाँ जी, खुजली आती है, दूसरा और तीसरा जो है, किसकी वजह से है वो, दैट इज डेफिनेटली वन ऑफ द क्राइटेरिया, हमें जानना तो जरूरी है, इन्वेस्टिगेट करना होगा, बट लेकिन आसान नहीं है, क्योंकि कोई भी टेस्ट से वर्टिगो नहीं पता चलेगा। अपने 40 से 50 टेस्ट वन बाय वन करेंगे, एक एक चीज एक्सक्लूड करते जाएंगे, तब जाके इसके ऊपर आएंगे डायग्नोसिस। इट इज अ डायग्नोसिस ऑफ एक्सक्लूजन, नॉट ऑफ कंक्लूजन। मतलब एक कॉमन चीज पहले निकालेंगे, इसका टेस्ट किया था, ये नहीं है, तो नेक्स्ट चीज पे जाएंगे। ऐसा नहीं है कि मैंने आज टाइफॉइड का टेस्ट कराया, रिपोर्ट में आ गया टाइफॉइड, यस टाइफॉइड। वर्टिगो में एक एक चीज एक्सक्लूड करने के बाद होता है, इसलिए अगर आप 30-40 चीजों का वन बाय वन टेस्ट कराएंगे, कंबर्सम प्रोसेस है, एक्सपेंसिव प्रोसेस है, लेकिन फिर पेशेंट करना नहीं चाहते, फिर वी गेट अ अजम्पटिव डायग्नोसिस करके फिर उसका ट्रीटमेंट। ये क्या करना चाहिए, कान में ऑपरेशन हो चुका है, उसके बाद बोल रह जाता है, उसके लिए मींस इसमें रिकरेंस होता है। जो अगर कान का ऑपरेशन यूस्टेशियन ट्यूब को एसेस करके नहीं किया जाए, जिसकी यूस्टेशियन ट्यूब में प्रॉब्लम होती है, अगर उस प्रॉब्लम को कंट्रोल हम नहीं करते हैं और इमीडिएटली कान का ऑपरेशन कर देते हैं, तो उसमें वापस छेद होता है, और इसकी वजह एक सबसे
बड़ी वजह होते हैं यूस्टेशियन ट्यूब डिसफंक्शन। वो डिसफंक्शन को क्योर करने के लिए या तो पहले अगर जरूरत पड़े तो नाक की सर्जरी कराओ, फिर कान की सर्जरी कराओ, या फिर कान की सर्जरी कराने के बाद नाक में 3 महीने तक लगातार स्प्रे डालते रहो। ये दो चीज नहीं होती है तो कभी कभी थोड़ा इन्फेक्शन हो जाता है अगर कान की पोस्ट ऑपरेटिव केयर ठीक से नहीं ली गई हो, सही एंटीबायोटिक्स नहीं गए हो, तो भी कान में वापस छेद हो जाता है। आपके दो कान हैं, दोनों कान में बोलता नहीं होता, मोस्ट ऑफ द टाइम एक ही कान में होता है। देयर आर सर्टेन कंडीशंस जो हम अभी तक नहीं जानते कि वो कान में इटसेल्फ कभी प्रॉब्लम होता है कि तभी उसी कान में छेद पड़ा, दूसरे कान के पर्दे में छेद नहीं हुआ। सर्दी हुई तो भी एक ही कान में पड़ा और कॉन्स्टेंटली एक कान बहता रहा। तो देयर आर 15-20% चीजें जो हम अभी तक नहीं जानते कि इसका प्रोसेस क्या है अभी तक। अभी नहीं रियली और इस कई लोगों को कुछ शब्द बोलने का प्रॉब्लम होते है, कुछ लेटर को बोलने नहीं जाते, उसका क्या क्योर है? स्पीच थेरेपी ये कोई एनाटॉमिकल डेफिशिएंसी नहीं है। जैसे कई लोग बोलते हैं कि मेरी जबान ठीक से बाहर नहीं निकलती इसलिए मैं नहीं बोल सकती, टंग टाइड है, तो ये चीज नहीं है, इट इज मोर ऑफ योर ब्रेन। तो अगर आपको कोई अच्छे से स्पीच थेरेपी दे तो आप कितनी भी स्पीच की प्रॉब्लम्स है, हकलाते हैं, कोई प्रोनाउंसिएशन ठीक नहीं है, तो वो क्योर कर सकते हैं। उसमें कोई ऑपरेशन नहीं आता है, इसमें सिर्फ परसिवियरेंस होता है पेशेंट का, बच्चे का और स्पीच थेरेपिस्ट का। आपने बोला वोकल सेट में टेंशन होने से आवाज में फेर बदली होता है, वोकल सेट में टेंशन देने से आवाज में कुछ बदली होती है? हाँ। तो आजकल गार्डन में उज्जैन प्राणायाम और वो जो सिंहासन करवाते हैं इसमें ज्यादा टेंशन वोकल सेट को होता है, तो हाँ, तो नुकसान होता है क्या? नहीं नहीं, आपने थोड़ा मिस इंटरप्रेट किया जो मैंने कहा। टेंशन का मतलब मेंटल टेंशन की बात नहीं कर रहा, मैं स्प्रिंग के टेंशन की बात कर रहा हूँ। कोई भी चीज के ऊपर आप स्ट्रेच करो उसको टेंशन बढ़ाना कहते हैं, स्ट्रेच कम करो टेंशन कम करना। मैं यहाँ के लोकल मसल टेंशन की बात कर रहा हूँ कि इसके मसल्स के ऊपर तुम कितना लोड दे रहे हो या कितना उसको रिलैक्स कर रहे हो, उसकी वजह से आवाज में चेंज आता है। आप समझे, ऐसे आपके पैर में जैसे मोच आ गई या स्प्रेन आ गई ज्यादा चलने की, तो वो टेंशन की बात कर रहा हूँ, मेंटल टेंशन की बात नहीं कर रहा। मेंटल टेंशन ये फिजियोलॉजिकली भी अपने मसल्स का ये वॉइस के लिए टेंशन कम या ज्यादा करना जरूरी है, तभी अपने वॉइस के अंदर मॉड्यूलेशन आप ला सकते हैं। मैंने कहा ना कि अभी मैं ऐसे बोलूंगा था ये मेरे मसल्स का टेंशन यहाँ का पूरा खींच जाएगा और इतना लो कर दूंगा तो एकदम लो हो जाएगा, और वो जरूरी है, दैट इज अ नॉर्मल थिंग। और आप जब उसको एक्सेसिव करोगे और फिर वो स्टेज पे ही आपका आवाज रह जाता है, आप नॉर्मल बोलना भूल जाते हैं, तो उसको स्पीच थेरेपी दे के रिलैक्स करवा के वो कराना चाहिए। नॉट डायरेक्टली ऑन द वॉइस, नो फरीदा नो हार्म, पर डायरेक्टली प्राणायाम करके वॉइस पे कोई फर्क पड़ने वाला नहीं है। फरीदा मैडम जी, आपने जैसे खर्राटे के लिए बताया कि मोटे लोगों के लिए है, अगर दुबले पतले लोग हैं और उनको भी खर्राटे आते तो उनका इलाज संभव है क्या? यह संभव है, और उनका सबसे पहले मैंने बोला है एक स्लीप स्टडी करवा लो। स्लीप स्टडी से पता चल जाता है कि खर्राटे से आपको शारीरिक नुकसान हो रहा है या नहीं हो रहा है। सिर्फ आप एक लाउड साउंड से खर्राटे लेते हो, आपका हार्ट AHI इंडेक्स नॉर्मल होता है, तो यू आर जस्ट अ स्नोरर, और उसका तो बहुत इजीली गॉलब्लैडर से इलाज हो सकता है। इट्स अ वेरी सिंपल। ओके, थैंक यू मैडम। आज डेढ़ साल बाद आपकी डेट मुकम्मल हुई थी, पूरा डेढ़ साल लग गया फरीदा मैडम को डेट चेज करते हुए, फाइनली से एग्री। थैंक यू वेरी मच। बहुत ही सरल शब्दों में वीडियो के माध्यम से आप दोनों डॉक्टर आलोक जी और फरीदा मैडम ने हमको बहुत ही सिंपलीफाइड उसमें कराया गई थी, उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। फिर बता दूं कि जीवन आदर्श उत्तर परिषद के सब प्रोग्राम समय पर शुरू होते हैं, समय पर वाइंड अप होते हैं। आप सबसे निवेदन है समय पर बता रहे हैं, समय पर चालू करें, समय पर वाइंड अप करवाएं। थैंक यू वेरी मच।